बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लागो दो चरण को, धनियन छुड़ायो छिन, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव की यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन, मैं पाई मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। रसूल आए जिन बखत, कंगुरा गिरा बुत खाने का, तब लोगों कहा रसूल का, जाहिर होने का माज जा, जाहिर होने का माज जा। रसूल आए जिन बखत, अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के इस पावन पवित्र स्थल पर सप्त दिवसीय श्री तारतम वाणी चर्चा एवं श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन कार्यक्रम का आज तृतीय दिवस के इस पावन बैठक में सर्वप्रथम परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता प्रवक्ता साध्वी मीरा मंजरी जी, उपस्थित सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं एवं
दूर नजदीक से पधारे हुए शिरोमणि सुंदर साह जी, आप सभी को करबद्ध सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी की यह दिव्य वाणी, तारतम सागर ब्रह्मवाणी, जिस वाणी को कुछ सार रूप में हम चर्चा के माध्यम से रस स्वादन करते आ रहे हैं, तो प्रथम दिवस के सत्र में कुछ भूमिका के प्रसंग सहित प्रथम दिवस की लीला ब्रज लीला के कुछ प्रसंग के ऊपर चिंतन किया, और कल द्वितीय दिवस के वाणी चर्चा प्रसंग में तारतम्य सिद्धांत में द्वितीय दिन की लीला रास लीला, इस लीला के प्रसंग में महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी ने विशेष करके 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ ही रास ग्रंथ के नाम से रास लीला के प्रसंग को, रास लीला के अलग अलग रामतों को, वहां के आनंद अथवा वियोग, ये सारे प्रसंगों के ऊपर जो चिंतन कराया है। और रास कहने से श्रीमद् भागवत के पंचम अध्याय रास, उस प्रसंग के ऊपर भी हम कुछ चिंतन करके फिर महामती प्राणनाथ जी की वाणी के रास ग्रंथ के ऊपर सारांश प्रसंग हम चर्चा करके आए। और आज यह तृतीय दिवस के पावन बैठक में हम उपस्थित हो चुके हैं, तो आज का हमारा प्रसंग है तृतीय दिवस की लीला। तो 6 दिन की लीला प्रसंग तो मैंने प्रथम दिन में ही सार रूप में बताया हो, इसीलिए आज तृतीय दिवस में तृतीय दिन की लीला कहने का मतलब रास लीला पूरी होने के बाद अक्षरातीत धाम धनी की आवेश शक्ति, अक्षरातीत धाम धनी के आवेश शक्ति रास लीला खेल के आए बरार बस्याम। रास लीला पूरी होने के बाद श्याम स्वरूप यानी कि अक्षरातीत धाम धनी की आवेश शक्ति बरारब यानी कि आरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में पधारे, और रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आकर रब्बानी कलाम ल्याए के सबको दिया यकीन। बीतक ग्रंथ में स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने ये शब्द रखा कि रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में धाम धनी पधार करके क्या किया, रब्बानी कलाम यानी कि रब शब्द का अर्थ है परमात्मा, रब्बानी मतलब परमात्मा की, कलाम का अर्थ है वचन, तो परमात्मा का वचन मतलब कुरान ग्रंथ के रूप में भविष्यवाणी के रूप में परमात्मा के वचन को रसूल मोहम्मद साहेब ने लाए और सबको दिया यकीन, सबको यकीन यानी कि विश्वास दिलाए। तो ये प्रसंग यानी कि रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में धाम धनी पधार करके कुरान ग्रंथ के माध्यम से कैसे कैसे भविष्यवाणी को रखा, और आखिर के समय में आकर के ये भविष्यवाणी किस तरह से सिद्ध होता है, महामती प्राणनाथ जी ने कुरान के प्रसंग को किस तरह से वाणी में खुलासा किया, इन प्रसंगों के ऊपर हम कुछ सार रूप में आज चिंतन करने जा रहे हैं। वैसे प्रसंग को अगर जोड़ें, कल रास लीला के प्रसंग के ऊपर कुछ चिंतन करते हुए अंत में धाम धनी श्री कृष्ण जी ने हम आत्माओं को कहा कि हे आत्माओं, इस रसरास के माध्यम से मैंने आप लोगों को हर तरह के सुख आनंद प्रदान किया, अभी भी कोई अधूरी इच्छा बाकी है तो कहो,
क्योंकि मैं तुम लोगों के हृदय के अंदर कोई भी इच्छा अधूरी रखना नहीं चाहता हूँ। तो हम सब आत्माओं के तरफ से इंद्रावती आत्मा आगेवान होकर के धाम धनी से प्रार्थना किया, हे बालाजी, हे प्रियतम धनी, आपने हमें इस रसरास के माध्यम से कई तरह के सुख आनंद प्रदान किए, परंतु साथ में वियोग का अनुभव कराने में भी कोई कमी नहीं रखे। इसलिए अब हम एक ही अर्जी करते हैं, जिस स्थान में कोई विरह न हो उस स्थान में हमें ले जाइए। तो इस तरह से हमने प्रार्थना किया तो धाम धनी ने हम आत्माओं को परमधाम मूल मिलावा में ले गए और तंद्रा अवस्था में हम आत्माओं को जागृत कराए। यहां तक के प्रसंग हम कल श्रवण कर रहे थे। तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण परमधाम मूल मिलावा में पहुंचे हुए हम आत्माओं को धाम धनी ने परात्मा स्वरूप में जागृत होने नहीं दिए, होश में आने नहीं दिए। इसलिए कहा तंद्रा अवस्था में ही जागृत किया। श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा अब इधर यह सृष्टि को पुनः संचालन करते हैं। रसरास के समय में तो ये पूरा सृष्टि ही स्तब्ध किया गया था। केवल धाम के योगमाए के रसरास लीला पूरी होने के पश्चात यह सृष्टि को पुनः चलायमान किया। यहाँ धरती में भी व्यवहारी की रास लीला होती है। गौलोकी श्री कृष्ण जी के साथ में बेतरिचा सखियों ने यहाँ धरती में व्यवहारी की रास लीला किया, जिसे प्रतिभास की रास भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में जो रास लीला वर्णन है वो प्रतिभास की अथवा व्यवहारी की, ये धरती में जो लीला हुई उस लीला को वर्णन किया गया है। और तारतम वाणी में महामति प्राण्य जी ने जिस रास लीला को वर्णन किया वो अक्षरातीत धाम धनी के साथ में हम ब्रह्मप्रिया ब्रह्म अंगनाओं ने वो केवल धाम में योग माया के ब्रह्मांड में जो रसरास लीला का आनंद अनुभव किया उस लीला का वर्णन महामति प्राण्य जी ने वाणी में जाहिर किया है। यहाँ के प्रतिभासी की रास अथवा कहूं तो व्यवहारी की रास लीला भी पूरी होने के पश्चात गौलोकी श्री कृष्ण जी की शक्ति के द्वारा 7 दिन तक गोकुल लीला होती है। फिर मथुरा में जाकर के 4 दिन तक लीला करते हैं। उसके पश्चात फिर गौलोकी शक्ति की लीला भी पूरी हुई। उसके बाद वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के अवतारी शक्ति के द्वारा कृष्ण लीला यानी कि अवतारी की लीला होती है। मथुरा में 14 वर्ष तक लीला और फिर उसके पश्चात द्वारिका में जाकर के 100 वर्ष तक अवतारी श्री कृष्ण जी की लीला पूरी होने के बाद वैकुंठ के विष्णु भगवान की शक्ति भी वापस वैकुंठ धाम में चले गए। यहाँ धरती में 28वां द्वापर का समय पूरे होकर 28वें कलयुग का समय प्रारंभ हुआ। अब समय बीतते कलयुग का 3660 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। अब ये तो धरती का समय है और उधर परमधाम मूल मिलाव में देखें ब्रज लीला और रास लीला अनुभव करके परमधाम में पहुंचे हुए आत्मा जिसको धाम धनी ने तंद्रा अवस्था में जागृत किया, होश में आने नहीं दिए। राज जी महाराज विचार कर रहे हैं अब इन आत्माओं को तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भेजना है और जहां भेज करके तारतम ज्ञान के माध्यम से पूर्ण रूप से जागृत कराकर सन्मंद का पहचान कराकर फिर सन्मंद का पहचान होने के बाद वियोग का अनुभव भी कराकर पुनः आत्माओं को परमधाम मूल मिलाव में वापस ले आ करके ही मूल मिलाव में जागृत कराना है। कहने का अर्थ पुनः आत्माओं को खेल में भेजने की विचार धाम धनी कर रहे हैं। अब आत्माओं को भेजने की बात तो है,
परंतु धनी ने विचार किया, आत्माओं को पहले खेल में भेजते समय तो एक ही स्थान में एक समय में यानी कि ब्रज मंडल में एक ही स्थान है और एक साथ में सबको ब्रज गोपी के रूप में उतारे और स्वयं धाम धनी श्री कृष्ण जी के रूप में ब्रजमंडल के स्वरूप में पधारे। 11 वर्ष 52 दिन की लीला पूरी होने के बाद सब आत्माओं को ये संसार भव सागर से पार लगाने के लिए वो प्रेम रूपी बंसी नाद ही काफी था। परंतु धाम धनी ने विचार किया, विरह का खेल, वियोग का खेल, जुदागी का खेल को अनुभव कराने के लिए तो अब पुनः जागने के ब्रह्मांड में भेजना है तो एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही वर्ण, एक ही लिंग, एक ही स्थान में भेजने का ऐसा नहीं, भिन्न भिन्न स्थान में, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न वर्ण, भिन्न भिन्न लिंग, भिन्न भिन्न धर्म, अलग अलग स्थानों में आत्माओं को भेजना है क्योंकि जुदागी का अनुभव कराना है ना, वियोग का खेल दिखाना है ना। फिर धनी विचार कर रहे हैं, आत्माओं को खेल में तो जरूर भेजूंगा अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप में, परंतु जागृत कराना भी तो है ना, तो फिर जागृत कराने के लिए भी तो इतना आसान बात तो नहीं, तो फिर कैसे जागृत कराऊंगा। खेल में जाकर के जैसे धनी ने पहले ही कहा इस करब्ध प्रेम संवाद के समय में, परमधाम से खेल में आने के बाद परमधाम की शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी, अपने आप को भूलेंगे, धनी को भूलेंगे, धाम को भूलेंगे, आग पानी पत्थर को ही पूजने लगेंगे। धाम धनी ने वो इस करब्ध प्रेम संवाद के समय में ही कहा, हे आत्माओं जब तुम लोग संसार में जाकर के भूलोगे, मैं स्वयं हादि यानी कि सदगुरु रूप में आकर के कई तरह के दृष्टांत के द्वारा कई प्रकार से यथार्थ ज्ञान तारतम ज्ञान को प्रदान करके जागृत कराने के लिए मैं कोशिश करूंगा और मैं रो रो करके इस बात को समझाऊंगा और मेरी बात को सुनकर के तुम लोग भी थोड़ी सी समय तो रोगे जरूर, परंतु माया इतनी बलशाली है तुम्हें होश में आने नहीं देगा। हादी मिठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोए। राजी महाराज ने जिस तरह से हम आत्माओं को समझाए उस बात को महामति प्राण्य जी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, हादी मीठे सुकन हक के, हादी यानी कि सदगुरु। वैसे तो हादी श्यामाजी स्वरूप है, श्यामाजी स्वरूप ही सदगुरु स्वरूप में पधारे, इसीलिए हादी सदगुरु। मीठे सुकन हक के, हक प्रियतम धाम धनी श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार परमधाम और परमधाम की लीला के विषय में कहेगा तुम्हें रोए रोए, सदगुरु स्वयं रो रो करके तुम्हें कहेंगे, समझाएंगे, जागृत कराने का प्रयास करेंगे, तुम भी सुन सुन रोए सी। धनी के वचन, हादि के वचन, सदगुरु के वचन को सुन करके तुम भी रोगे जरूर, परंतु थोड़ी सी समय के बाद फिर माया का प्रभाव, माया का असर ऐसा पड़ेगा होश में ना आवे कोई, किसी को भी होश में आने नहीं देगा। तो माया के बल, माया का प्रभाव तो जानते हैं, इसीलिए धाम धनी विचार कर रहे हैं खेल में भेजने के बाद आत्माओं को जागृत कराना इतना सहज बात भी नहीं है, इसीलिए जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं को भेजने से पहले ही मुझे पहले तैयारी करनी होगी, धर्म शास्त्र के माध्यम से ब्रह्मात्माओं के विषय की बातें खेल के बीच में पहले ही जाहिर करना है, उसके बाद ही आत्माओं को खेल में भेजना है, ताकि बाद में आत्मा खेल में जाकर के भूलेंगे तब भी उन धर्म ग्रंथों के साक्षी प्रमाण को दिखा दिखा करके, समझा समझा करके, देखो आत्मा
तुम्हारे विषय में यहां इस तरह से कहा है, इस तरह से लिखा है, तो ये साक्षी प्रमाण दे दे करके आत्माओं को जागृत कराना है, तो जागृत कराने के लिए भी थोड़ा सहज पड़ेगा। ये विचार करके धामधनी ने अब ये कलयुग में ब्रह्मात्माओं को जागने की ब्रह्मांड में भेजने से पहले ही हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर यानी कि वेद शास्त्रों के अंदर भी और कतेब ग्रंथ के रूप में भी परमधाम की ब्रह्मात्माओं के विषय की बातों को साक्षी प्रमाण के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में शब्दों को जाहिर करके रखा। हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर शास्त्रकारों के मुख से ज्ञान की बातें जाहिर करते करते धामधनी के आवेश शक्ति के द्वारा ही बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे संकेत के रूप में परमधाम की निशानी, श्रीराज जी के स्वरूप की निशानी और श्रीराज जी की लीला यानी कि परमात्मा की लीला की निशानी जगह जगह पर संकेत करके रखा। और उसमें भी विशेष करके यह 28वीं कली का समय है, तो अवतार के हिसाब से देखें तो 28वीं कलियुग में बुद्ध कल के अवतार का समय है। बुद्ध कल के अवतार का समय सिर्फ 28वीं कलियुग में ही नहीं, पहले भी हम चर्चा करके आए, सृष्टि की शुरुआत से ही हर चतुर्युग में 24 अवतार होने का क्रम, ये सृष्टि में ये व्यवस्था किया गया। उसमें कलियुग का मुख्य अवतार बुद्ध कल के अवतार, हर कलियुग में बुद्ध कल के अवतार, वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के शक्ति यहाँ अवतार लेकर के आना। और कलियुग रूपी आसुरी वृत्ति के लोगों को पहले तो बुद्ध अवतार आकर के, बुद्ध अवतार यानी कि ज्ञान का अवतार, ज्ञान प्रदान करके कलियुग रूपी आसुरी वृत्ति को मिटाने की प्रयास करते हैं। और बुद्धि का अवतार अथवा ज्ञान के अवतार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझाने पर भी अगर कलियुग रूपी आसुरी वृत्ति अगर दूर नहीं होता हो तो फिर बुद्ध अवतार के बाद आने वाले अवतार है कल के अवतार, और कल के अवतार के हाथ में हथियार रहेगा तलवार। जैसे त्रेता के समय में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में हथियार क्या है? धनुष बाण। द्वापर के समय में आने वाले लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में, अब इधर अक्षरातीत की आवेश शक्ति की लीला क्रम में देखे तो हाथ में बंसी है, फिर उधर अवतारी शक्ति के हाथ में देखे तो शंख चक्र गदा पद्म, ये अवतारी शक्ति के हाथ के हथियार अथवा सामग्रियां हैं। ऐसे ही कलयुग में आने वाले बुद्ध अवतार के साथ तो ज्ञान यानी कि बुद्धि रहेगा, वो ज्ञान के द्वारा सबको समझाने की प्रयास करेंगे। बुद्ध अवतार के ज्ञान के द्वारा जितने लोग समझेंगे ठीक है, ज्ञान के द्वारा भी नहीं हुआ तो फिर कल के अवतार आएंगे, तो कल के अवतार का हथियार है तलवार। अब कल के अवतार आकर के तलवार लेकर के आकर के कलयुग रूपी आसुरी वृत्ति वाले लोगों के सिर को छेदन कर देंगे और आसुरी वृत्ति वालों को नष्ट करके फिर सतयुग को स्थापित करेंगे। यह अवतार का क्रम है। तो ये अवतार के क्रम में अब ये 28वें द्वापर के बुद्ध कल के अवतार के लिए शास्त्र ने एक अलौकिक भविष्यवाणी किया। ये 28वें कलयुग में जो बुद्ध अवतार और कल के अवतार होंगे वो सिर्फ योग को ही परिवर्तन नहीं करेंगे, वो पूरा सृष्टि को ही परिवर्तन करेंगे। तो इस तरह से सृष्टि को ही परिवर्तन करने वाले, सृष्टि को परिवर्तन करने का अर्थ सृष्टि को ही अखंड करने वाले, ऐसे अवतारी रूप में ऐसे शक्ति प्रकट होंगे, ये भविष्यवाणी किया गया। ऐसे कई साक्षी, कई प्रमाण शास्त्र के अंदर जगह जगह पर संकेत करके रखा गया है। और कहा कि
अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणा उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुषश्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूज्यस्यन्ति मानव तत्पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उद्धारणम्। ऐसे भविष्यवाणी रखा है। ये तो हुआ शास्त्र की बात। अब धामधनी विचार कर रहे हैं ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजूंगा तो सिर्फ हिंदू संप्रदाय के अंदर, हिंदू धर्मावलंबी के अंदर ही नहीं, द्वैत का खेल दिखाना है, जुदागी का खेल दिखाना है तो विपरीत जाति, विपरीत लिंग, विपरीत धर्म अलग अलग स्थान में भेजना है तो धामधनी के आवेश शक्ति फिर अरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आकर कुरान ग्रंथ के माध्यम से परमात्मा यानी कि कुरान के शब्द से कहे तो खुदा स्वयं इस धरती में आने की बात और उनके आत्मा स्वरूप इस धरती में आने की बात और वो कयामत के दिन यानी कि आत्मा जागृत होने का दिन फजर का समय कहा, उस समय की विषय की सारी निशानी रसूल मोहम्मद साहेब के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में जाहिर किया गया। तो उसके लिए रासलीला पूरी होने के बाद रासलीला करने वाले अथवा धामधनी के आवेश शक्ति ही, जैसे मैंने पहले कहा, समय कलयुग का 3660 वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद अरब की भूमि में मुस्तफा वेग के अंदर धामधनी के आवेश शक्ति प्रवेश होकर के आए, जिन्हें रसूल मोहम्मद साहेब के नाम से जाने जाते हैं। तो महामति प्राणनाथ जी ये प्रसंग के ऊपर वाणी में जगह जगह पर चर्चा करते हैं, खुलासा करते हैं, रसूल मोहम्मद साहेब किस तरह से आए, वो ये धरती में आए तो यहां पर कैसी कैसी घटनाएं घटी और रसूल मोहम्मद साहेब 63 वर्ष की उम्र तक ये धरती में रहे और उतने समय अवधि के अंदर कैसे कैसे घटनाएं घटी और उन्होंने कुरान ग्रंथ के माध्यम से कैसे कैसे भविष्यवाणी रखे और उनके ही भविष्यवाणी के फल स्वरूप 10वीं 11वीं 12वीं सदी कयामत का दिन फजर का समय में रूह अल्लाह इमाम मेदी का किस तरह से आना हुआ और उनके भविष्यवाणी किस तरह से साकार हुआ, इन सारे विषयों के ऊपर प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से खुलासा करते हैं। विशेष करके वाणी में चार ग्रंथ सनंद, खुलासा, मार्फत सागर और कयामत नामा, ये चार ग्रंथ के माध्यम से इन कुरान के विषय में प्राणनाथ जी ने खुलासा करके कहा। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये कुरान के विषय के बाद मोहम्मद साहेब के विषय की बात यहां पर क्यों चर्चा में आती है। महामति प्राणनाथ जी इस विषय के ऊपर स्पष्ट रूप में खुलासा करके कहते हैं, यहां धरती के हिसाब से देखें, देह बुद्धि से देखें तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ण, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लिंग है, परंतु आत्मा दृष्टि से अगर देखें आत्मा सब में एक है। वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं, आत्म सहुनी एक जदिसे जुजबिते दिशे देह। देह यानी कि शरीर, देह दृष्टि से देखते समय अलग अलग है परंतु अंतर चेतना, अंतर आत्मा को देखें, आत्मा सबके अंदर एक परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा विराजमान है। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, प्राणनाथ जी कहते हैं हम एक ही वतन एक ही परम धाम के हैं, इसलिए अपनी रूह हमारी आत्मा दोए यानी कि अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। संसार में देखें कई ऐसे दृष्टांत है जिसने किसी भी तरह के कोई भेदभाव नहीं रखा है। अज्ञान अवस्था में साधारण बुद्धि ये विचार करता है कि ये क्यों, ऐसा क्यों,
हम देह बुद्धि को जब ज्यादा प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं, तो देह बुद्धि से देखने पर ये स्त्री, ये पुरुष, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ब्राह्मण, ये सूत्र, ये सब आत्मा का धर्म है या देह का धर्म है? ये सब देह का धर्म है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, न देशी है न परदेशी है, न हिंदू है न मुस्लिम है, न ब्राह्मण है न शूद्र है। वो शुद्ध बुद्ध नित्य शाश्वत चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप वो आत्मा है। उस आत्मा को अलग अलग धर्म ग्रंथ में अलग अलग शब्द के द्वारा बताया गया है। शब्द में भेद हो सकता है, परंतु तत्वतः देखे उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, चाहे हम पानी कहे, चाहे जल कहे, चाहे नार कहे, चाहे आब कहे, आब का अर्थ भी पानी है, नार का अर्थ भी पानी है, जल का अर्थ भी पानी है, और पानी तो है ही, और भी कई शब्द है, तो तत्वतः देखे एक ही है। इसी तरह से धर्म शास्त्र के अंदर आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में अलग अलग शब्द जरूर है, परंतु उसका तात्पर्य, उसका अर्थ, उसको हम चिंतन करें तो तत्वतः अर्थ एक ही है। हिंदू धर्म ग्रंथ में जिस तत्व को आत्मा शब्द प्रयोग किया, चाहे चेतन शब्द प्रयोग किया, चाहे जीव शब्द प्रयोग किया, कुरान ग्रंथ में अथवा कतीब धर्म ग्रंथ में उसी को रूह शब्द प्रयोग किया है। हिंदू धर्म ग्रंथ में परमात्मा को परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, अलग अलग शब्द है, परब्रह्म कहा। मुस्लिम धर्म ग्रंथ में यानी कि कुरान ग्रंथ में देखे, खुदा कहा, यानी कि परमात्मा को खुदा शब्द के द्वारा बताया है। नूर जमाल शब्द आता है। महमती प्राणनह जी अपने वाणी में कहते हैं, जुदे जुदे नामे गाव ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। ये महामती प्राणनह जी का संबोधन है, ये वाणी का संबोधन है। जुदे जुदे नामे गाव ही, परमात्मा के नाम अलग अलग शब्द में, अलग अलग नाम के द्वारा परमात्मा के नाम को उच्चारण करके अथवा परमात्मा का अनेक नाम धारण करके, जुदे जुदे भेष अनेक, अलग अलग प्रकार का भेष धारण करके परमात्मा के नाम पर एक आपस में लड़ो मत, झगड़ो मत, धनी सबों का एक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, आत्मा के मालिक, आत्मा का आधार, आत्मा के स्वामी, वो प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धनी सबके मालिक एक है। वेद मंत्र ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य परमात्मा एक है। विप्रजन ज्ञानी जन, पंडित जन, विद्वान जन बहुधा वदंती, बहुत रूप से उस परमात्मा के विषय में अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषा में कहेंगे, परंतु एकम सत, सत्य परमात्मा एक है। उसी को महामती प्राणनह जी ने कहा, धनी सबों का एक, पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहा है। पर ब्रह्म परमात्मा, आत्मा के आधार, आत्मा के मालिक, पार ब्रह्म पूर्ण एक है, वो पूर्ण स्वरूप परमात्मा तो एक है। उस परमात्मा को अलग अलग भाषा में, अलग अलग शब्दों के द्वारा कहा है, इसीलिए महामती प्राणनह जी अपने वाणी के माध्यम से वो तत्व को समझाते हुए कहते हैं कि जो कछु कह्या वेद ने, सोई कह्या कते। वेद ने जिस परम तत्व परमात्मा के विषय में कहा है, कतेब ने भी वही तत्व के विषय में कहा। क्या कहा? सोई खुदा, सोई ब्रह्म। परमात्मा को कतेब ने खुदा शब्द के द्वारा कहा और वेद शास्त्र ने ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा। महामती प्राणनह जी कहते हैं, चाहे खुदा कहो चाहे ब्रह्म कहो, वही परमात्मा की बात है, सोई खुदा सोई ब्रह्म।
हम महात्मा गांधी जी के विषय में सुनते हैं, उनकी माता जी पुतली बाई वो ये प्रणामी धर्म में दीक्षित थे, इतिहास है। और गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर का है, बीतक का रचयिता स्वामी लालदास जी महाराज का घर पोरबंदर, जो आज पोरबंदर में मंदिर है वही स्थान है। माता पुतली बाई ने अपने पुत्र को यानी कि गांधी जी को बाल्यावस्था में ही वो मंदिर ले जाते थे, तो मंदिर की दीवार में महामति प्राणनाथ जी के ये किशोरवाद सिद्धांत परक चौपाइयों को लिखा हुआ था। जैसे कुछ चौपाई हम यहाँ जोड़ रहे हैं, जुदे जुदे नामे गावहि जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक, जो कछु कहा वेदने सोई कहा कते, सोई खुदा सोई ब्रह्म, अन्य कई चौपाइया। महामति प्राणनाथ जी के यही सिद्धांत यही दर्शन के द्वारा प्रेरित होकर के गांधी जी ने अपने शब्द में क्या कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। चाहे ईश्वर कहो चाहे अल्लाह कहो, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम है, शब्द अलग है तत्वतः वो एक ही है। इसीलिए महामति प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से जगह जगह पर यही संबोधन किया है, यही आह्वान किया है, भले देखो तुम आकार को पर देखियो अंदर का तेज, अंदर की तेज अंदर की प्रकाश को देखिए, अंदर की शक्ति को देखिए, उस शक्ति में कोई भेद नहीं है। इसलिए महामति प्राणनाथ जी के वाणी के सिद्धांत में या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ, ये महामति प्राणनाथ जी की सिद्धांत है। कहने का अर्थ है या कुरान, या तो कुरान ग्रंथ की वाणी हो, रसूल मोहम्मद साहेब के द्वारा जाहिर किया हुआ शब्द हो, या पुराण या तो ऋषि महर्षियों के द्वारा जाहिर हुआ शब्द वेद उपनिषद पुराण आदि इतिहास आदि ग्रंथ हो, ये दो कागज प्रमाण, ये दो यानी कि वेद और कतेब, कुरान और पुराण दोनों ग्रंथ ब्रह्म सृष्टियों के लिए कागज यानी कि चिट्ठी है, संदेश है वहां, ये दो कागज प्रमाण। या के मगज मायने हम पास, या के यानी कि चाहे वेद का हो चाहे कतीब का हो, यानी कि कुरान का हो या पुराण का हो, मगज मायने अंदर छुपी हुई गोड़ रहस्य वो कौन खोल सकते हैं। कहते हैं या के मगज मायने हम पास, मेरे पास है, मैं खोल सकता हूं इसको, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। फिर कहते हैं मैं भी अपनी बुद्धि से अपनी कल्पना से खोलूंगा, ऐसी बात नहीं है, मेरे अंदर प्रियतम धामधनी प्राणों के नाथ प्राणनाथ स्वयं धामधनी आकर के मेरे अंदर से ये कुरान पुराण यानी कि वेद कतेब के गूढ़ रहस्य को खोल रहे हैं, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। महामति प्राणनाथ जी ने ये बात को जाहिर किया कि या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। इसका मतलब क्या, प्राणनाथ जी के आने से पहले कुरान पुराण यानी कि वेद कतेब का अर्थ खुलासा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। मंगलाचरण के प्रकरण में एक चौपाई आता है, हम मंगलाचरण को पाठ करते चिंतन करते समय उस चौपाई को चिंतन करते हैं। तारतम धरती में अवतरण होने से पहले यानी कि सदगुरु प्राणनाथ जी के आगमन से पहले वेद कतीबों के अर्थ ही नहीं हुआ था, ऐसी बात नहीं, अर्थ जरूर किया गया था, लेकिन वो अर्थ कैसा था, वाणी में धनी ने खुलासा करके कहा, सुपन बुद्ध अट कलसों वेद कतीब खोजे जिन्न, मगज न पाए माए का बांधे माए ने वारे तिन्न। ये हकीकत कह दिया, क्या कहा, सुपन बुद्ध अटकलस, स्वप्ना की बुद्धि से अड़कल के द्वारा
वेद कतेब के माध्यम से परमात्मा को खोजी किया, और वो स्वप्ना की बुद्धि एक तो और अड़कल के द्वारा वेद कतेब का अर्थ किया, परंतु वास्तविक अर्थ जान नहीं सका तो क्या किया, मगज न पाए माहे का, मगज यानी कि वो गुह्य रहस्य प्राप्त नहीं कर सका, नहीं जान सका, माहे का मतलब अंदर का वो भेद जान नहीं सका तो क्या किया, बांधे मायने वारे तिन्न, एक एक अक्षर का बार बार अर्थ में अर्थ विस्तार किया। एक अक्षर में 12 मात्रा होता है ना, तो 12 मात्रा के आधार पर एक एक अक्षर का 12 अर्थ विस्तार किया, परंतु मगज न पाए माहे का, अंदर के गुह्य अर्थ खुलासा नहीं हो सका। इसीलिए कहा मगज न पाए माए का, बांधे मायने वारे तिन। इसीलिए धनी कहते हैं इसके वास्तविक रहस्य को मैं खोल सकता हूं, या कि मगज मायने हम पास। और फिर कहा मैं अपनी बुद्धि से नहीं खोल रहा हूं, अंदर आए के खोले प्राणनाथ, प्राणनाथ प्रियतम धाम धनी मेरे अंतर हृदय में विराजमान होकर के खोल रहे हैं। इसीलिए धनी की वाणी के माध्यम से हमें समझना होगा, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, यानी कि चाहे पुराण हो चाहे कुरान हो, ब्रह्म सृष्टि के लिए ये संदेश है, ये चिट्ठी है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा वही शास्त्र सबसे महान है जहां पर आत्मा और परमात्मा की बात की हो, कोई भी शास्त्र का नाम नहीं लिया। जिस धर्म ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के विषय की बात की हो वही शास्त्र सबसे महान है। और गुरुजी आगे बढ़ करके इसी विषय को और खुलासा करके और जोड़ दे करके कहते हैं, चाहे हिंदू के घर की आईना हो चाहे मुस्लिम के घर की आईना हो, जब आईना देखते हैं मनुष्य तो किसकी चेहरा दिखाई देता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है। घर चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का, उससे क्या लेने देना है, आईना आपका चेहरा दिखाएगा। ऐसे ही चाहे मुस्लिम धर्म ग्रंथ यानी कि कुरान ग्रंथ हो, कतीब ग्रंथ की वाणी हो, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ वेद पुराण की वाणी हो, आत्मा भाव से अगर अध्ययन करेंगे तो आत्मा का ही स्वरूप का दर्शन होगा, चाहे वो कुरान रूपी आईना हो चाहे वो पुराण रूपी आईना हो। जिज्ञासु भाव से आत्मा भाव से जब इन धर्म ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे तो वहां पर आत्मा का ही दर्शन होगा, परमात्मा का ही दर्शन होगा, परंतु अपनी चेहरा का दर्शन किसको होगा, मनुष्य को ही होगा। चेहरा का दर्शन तो अन्य प्राणी को भी होगा, परंतु गुरुजी और आगे बढ़ करके यहां तक भी खुलासा करके कहते हैं, वो आईना है ना, आईना दर्पण, कुत्ता आईना जब देखता है तो कुत्ता क्या करता है, आईना देख करके भौंकने लगता है, अपना ही चेहरा दिखाई देता है ना, उसको लगता है ये दूसरा ही है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को देखता है तो जरूर भौंकता है ना, तो इसीलिए आईना में जब अपना ही चेहरा देखता है तो वो दूसरा ही समझ करके कुत्ता भौंकने लगता है। और बिल्ली जब उसी आईना को देखता है तो बिल्ली क्या करता है, पीछे तरफ से वो खरचने लगता है। और मनुष्य जब उसी आईना को देखता है तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने आप को संभालता है, क्या मैं ठीक ठाक से हूं, कहीं मेरे चेहरा में कहीं कुछ दाग वगैरह कुछ विकार कुछ लगा तो नहीं है, अपने आप को संभालते हैं। धर्म ग्रंथ आईना है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कहा ना वही धर्म ग्रंथ सबसे महान है जहां आत्मा और परमात्मा की बात की हो। और ऐसे अपनी चेहरा का दर्शन कराने वाले धर्म ग्रंथ को अध्ययन करके कई बार लोग धर्म ग्रंथ के शब्दों के विषय में उल्टी सीधी बातें छेड़खानी करते हैं ना, ये कुत्ता का धर्म है, क्योंकि कुत्ता मेरा ही ये स्वरूप है करके न जानने के कारण, मेरा ही ये चेहरा आईना में प्रतिबिंब रूप में दिखाई दे रहा है ये न जानने के कारण दूसरा ही कुत्ता समझ करके, अपने से भिन्न समझ करके भौंक रहा है ना,
तो धर्म ग्रंथ में जो शब्द मिलता है ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए ही है करके पराई के लिए समझते हैं ना, इसीलिए धर्म ग्रंथों के ऊपर उल्टी सीधी बातें होती है। परंतु जो आत्मा भाव से, जिज्ञासु भाव से उन धर्म ग्रंथों को अध्ययन करेंगे, शब्दों को चिंतन करेंगे, तो जिज्ञासु आत्मा को अपनी ही बातें वहां पर मिलेंगे, चाहे वहां आत्मा शब्द के द्वारा कहा गया हो, चाहे रूह शब्द के द्वारा कहा गया हो। जैसे उदाहरण में मैंने पहले ही कहा, चाहे जल शब्द प्रयोग करें, चाहे नार शब्द प्रयोग करें, शब्द में अलग जरूर है। अब मैं जल पी रहा हूं, प्यास बुझ गया। मैं पानी पी रहा हूं, तो पानी पीने से कहां प्यास बुझता है, जल पीने से प्यास बुझता है। अगर ऐसा कहे तो पानी पीने से कहां प्यास बुझता है, जल पीने से प्यास बुझता है, अगर ऐसा कहे तो। ये तो शब्द का अंतर है ना, मकसद क्या है। प्यासे व्यक्ति चाहे जल कहे, चाहे पानी कहे, जो कुछ भी कहे, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, प्यास बुझाना है। ऐसे ही मुमुक्षु आत्मा धर्म ग्रंथों के माध्यम से अपनी आत्मा की पहचान और परमात्मा की पहचान करना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंध को धर्म ग्रंथ ने किस तरह से जोड़ दिया है, इस बात को समझना चाहते हैं। इसलिए जिज्ञासु भाव से जब हम कोई भी ग्रंथ को अध्ययन करें, वहां अपनी ही बातें मिलते हैं। इस अर्थ में महामति प्राणनाथ जी ने कहा, या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण। ब्रह्म सृष्टि के लिए कागज है, चिट्ठी है, अपने घर की बात वहां पर है। इतना ही नहीं, यहां से और आगे बढ़ करके और इतनी गहराई से प्राणनाथ जी कहते हैं, आखिर कुरान के रूप में आया हुआ वाणी हो या पुराण के रूप में आया हुआ वाणी हो, वो कहां से आया है। श्रृंगार ग्रंथ में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के नूरी स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते हुए, धामधनी श्रीराज जी की रसना का वर्णन करते हुए वो प्रसंग में धनी कहते हैं, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद। देखिए तो अब यहां से आगे कहना क्या बाकी रहा। ग्रंथ कौन सा कहा, ये चौपाय श्रृंगार ग्रंथ, किसके श्रृंगार, प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के श्रृंगार। उसमें भी देखे तो श्रृंगार का वर्णन तो ऐसे सागर ग्रंथ में ही है, और श्रृंगार ग्रंथ में तो महाश्रृंगार शोभा है, और उसमें भी रसना का श्रृंगार, रसना का वर्णन करते हुए कहते हैं, कलाम अल्लाह या हदीस, अल्लाह का कलाम या हदीस ग्रंथ, यानी कि कुरान हदीसा ग्रंथ के रूप में अवतरित वाणी, शास्त्र पुराण या वेद, शास्त्र पुराण वेद के रूप में यानी हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में अवतरित वाणी। कहने का मतलब चाहे कतीब हो चाहे वेद हो, यानी कि चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही, इन सारे शब्दों का सुख कौन लेंगे, मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि, सखियां परम धाम की आत्मा। ब्रह्म सृष्टि को मोमिन शब्द के द्वारा संबोधन किया, क्यों मोमिन, मोमबत्ती जानते हैं ना, मोम, मोमबत्ती जलाते हैं तो थोड़ी सी ताप के द्वारा ही वो पिघल जाता है ना, वो पिघलता जाता है जलता जाता है, पिघलता जाता है जलता जाता है, मोम का धर्म ये है, थोड़ी सी ताप से ही पिघलने वाला। ऐसे ही परम धाम के ब्रह्म सृष्टि के हृदय राज्य की वाणी रूपी ताप के द्वारा, वाणी रूपी प्रकाश के द्वारा पिघलने वाली हृदय, वो कोमल हृदय, वो नरम हृदय, उस अर्थ में आत्माओं को और हृदय की विशेषता, हृदय की गुण को देख करके, मोम की तरह पिघलने वाले ऐसे हृदय को देख करके मोमिन शब्द के द्वारा संबोधन किया, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को। तो कहा, ये सब सुख मोमिन ले वही, ये संपूर्ण वाणी के
अर्थ को समझ करके इस वाणी के द्वारा बताया हुआ ब्राह्मिक सुख ब्रह्मानंद सुख कौन धारण करेंगे? मोमीन ब्रह्म सृष्टि क्यों? आगे कहते हैं हक रसना का भे, चाहे कलाम अल्लाह हदीस के रूप में आया हुआ वाणी यानी कि कतीब का वाणी हो, चाहे शास्त्र पुराण वेद के रूप में आया हुआ वेद शास्त्र की वाणी हो, ये हक रसना का भे, हक की रसना। रसना का मतलब क्या है? जुआन जीवा। हक की रसना के द्वारा ही जाहिर हुआ ये वाणी है, तो हक रसना के द्वारा जाहिर हुआ वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए यही अपनी बातें हैं। उस वाणी का सुख उस वाणी का आनंद ब्रह्म सृष्टि सखियां लेंगे। ऐसे कई वाणी है जिसके माध्यम से महामति प्राणनाथ जी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान अलग अलग प्रकार से करा रहे हैं। प्रकृति में जब सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय किसके लिए हुआ? हिंदू के लिए हुआ या मुस्लिम के लिए हुआ? देशी के लिए हुआ या परदेशी के लिए हुआ? ब्राह्मण के लिए हुआ या शूद्र के लिए हुआ? स्त्री के लिए हुआ या पुरुष के लिए हुआ? किसके लिए हुआ? प्रकृति के यावत प्राणी पदार्थ के लिए प्रकाश प्रदान करते हैं सूर्य। ये प्रकृति में हवा चल रहा है ना, ये किसके लिए? ये हवा ने कभी भेद रखा? मेरा सीमा यहां तक है और यहां से आगे जाने के लिए मुझे प्रवेश निषेध है? प्रकृति के कोई भी पदार्थ देखिए, जगत के सारे जीव को जीवन प्रदान करने के लिए है। तो अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस जगत में पांच बेर आए धनी मुझ कारण, पांच स्वरूप में पधारे, तो फिर वो किसके लिए पधारे? और उन्होंने जितने भी ज्ञान के प्रकाश को जाहिर किया वो किसके लिए किया? धाम धनी ने ये तारतम के प्रकाश को धरती में जाहिर किया, किसके लिए जाहिर किया? प्रकृति के सूर्य जब सब के लिए है तो ये अध्यात्म सूर्य। इसीलिए धनी वाणी में कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत्य। निज नाम सोए जाहिर हुआ, सदगुरु के द्वारा प्राणनाथ जी के द्वारा ये निज नाम तारतम ज्ञान धरती के बीच में जाहिर हुआ ना, किसके लिए? निज नाम सोए जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत, सारी दुनिया वालों ने जिसकी राह देख रहे थे, मुक्त देशी ब्रह्मांड को। किसके लिए आया ये ज्ञान, ये तारतम का प्रकाश? ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आया है। आई ब्रह्मात्म सत्य, ब्रह्मात्माएं सारे जगत के जीवों को ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं। तो इन वाणी के माध्यम से हमें अंतर आत्मा में ये भाव को जागृत करना होगा कि मैं आत्मा स्वरूप हूं और आत्म सहुनी एक जदि से जुज बीते दिशे देह, आत्मा भाव से सब एक है, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, आत्मा भाव से सब में एक भाव रखते हुए धर्म ग्रंथ जितने भी है मुझे आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाने के लिए और परम धाम तक पहुंचाने के लिए ये सारा संदेश है। ये भाव से हमें चिंतन करना होगा। और मैं कह रहा था ब्रह्मात्माओं को ये खेल में भेजने से पहले ही धामधनी ने स्वयं अरब की भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में पधार कर कुरान ग्रंथ के माध्यम से वर्ष अजीम चौथे आसमान यानी कि परम धाम के विषय में, नूर जमाल परमात्मा के विषय में और उनके आत्मा यानी कि 12,000 रूहें आत्माओं के विषय में यहां धरती में शब्द को जाहिर किया। महामति प्राणनाथ जी ये वाणी में कहते हैं रसूल मोहम्मद साहेब का जब जन्म हुआ ना, उसी समय से चमत्कार शुरू हुआ। अलौकिक शक्ति जब धरती में आते हैं ना, कुछ न कुछ संकेत पहले ही देते हैं, परंतु साधारण लोग उस समय में उसको समझ नहीं सकते हैं।
तो यहाँ प्राण्य जी कहते हैं, ये खुलासा वाणी की चौपाई है, तो कहते हैं रसूल आए जिन बखत कंगुरा गिरा बुत खाने का, तब लोगों ने कहा रसूल का जाहिर होने का माज जा। रसूल मोहम्मद साहेब आए ना, कहाँ आए? अरब की भूमि में। कब आए? कलयुग के 3660 वर्ष के बाद आए। तो कहते हैं रसूल आए जिन बखत, जिस बखत यानी कि जिस समय में रसूल मोहम्मद साहेब आए, कंगुरा गिरा बूत खाने का, बूत खाने मतलब मंदिर से, देवालय से कंगुरा गिरा। एक मंदिर से नहीं, जितने भी मंदिर थे सब तरफ से एक साथ में कंगुरा गिरा। और ये देख करके थोड़ा सा जानकार लोगों ने कहा ये तो रसूल का जाहिर होने का माजजा है, संकेत है। लेकिन ज्यादा लोगों ने उस चीज को समझ नहीं सका। घटना घटी, परंतु जब ये बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 गया और इनके बाल लीला के विषय में, इनके जीवन दर्शन के विषय में तो अब अपनी जगह में अपने प्रकार की चर्चा है, यहाँ हमें जितना जरूरत है उतना अगर चर्चा करें तो रसूल मोहम्मद साहिब को 40 वर्ष की उम्र में खुदा यानी कि परमात्मा का दर्शन हुआ, जिसको प्राण्य जी वाणी में वो म्याराज का सूरत करके कुरान के प्रसंग को वाणी के माध्यम से खुलासा करके कहते हैं। जैसे यहाँ खुलासा वाणी में ही कहे तो ये 12वीं प्रकरण के प्रसंग में यहाँ 20 में आकर के रसूल मोहम्मद साहेब को किस तरह से खुदा का दर्शन हुआ और खुदा के साथ में क्या क्या संवाद हुए, ये सारे प्रसंगों को यहाँ पर चर्चा करके समझाया है। जैसे मैं एक दो चौपाई को उच्चारण करूं तो कहते हैं जबराइल पहुंचा नूर लग, मैं पहुंचा पार हजूर, मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजकूर। ये शब्द है रसूल मोहम्मद साहेब के। क्या कहा? जबराइल शक्ति नूर लग यानी कि अक्षरधाम जबरूत तक ही पहुंचा। कहते हैं मैं पहुंचा पार हजूर, मैं उस जबरूत से यानी कि अक्षरधाम से भी पार परे, हजूर यानी कि परम धाम, परमात्मा के, खुदा के हजूर नजदीक में, पास में पहुंचा। मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजकूर। रसूल मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने उम्मतों के वास्ते, उम्मत शब्द का अर्थ जमात, ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते खुदा के साथ में बहुत सारी मजकूर किया हूं। क्या क्या मजकूर किया? कहते हैं कह्या सुभाने मुझको हरफ 90,000, कह्या 30 जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बक्का दरवाजे खोलसी आखर को हम आए। समझ में आई बात? तो इसका अर्थ क्या है? अब ऐसे चौपाई तो बहुत सारे हैं, मैं चौपाई चौपाई पढ़ करके तो पूरा नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैं भाव बता रहा हूं। 40 वर्ष की उम्र में रसूल मोहम्मद साहेब जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के यानी कि उसको अश्वारी बना करके चले जबरूत तक यानी कि अक्षरधाम तक पहुंचे। वहां से आगे नहीं जा सका जबराइल शक्ति, मेरा पर जल रहा है, मेरा पंख जल रहा है। और अर्श अजीम से रफरफ का तखत यानी कि इश्क रूपी विमान आया, उसके ऊपर सवार होकर के रसूल मोहम्मद साहेब चौथे आसमान नूर तजल्ला अर्श अजीम के अंदर प्रवेश किया और खुदा के साथ में यानी कि परमात्मा के साथ में रूबरू हुआ, आमने सामने हुए। और रसूल मोहम्मद साहेब ने अपने शब्द में खुदा का स्वरूप का वर्णन किया है, कुरान ग्रंथ में जो उल्लेख किया गया अमृत सूरत, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ में चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम करके किशोर स्वरूप का वर्णन आता है ना, वो किशोर स्वरूप को कुरान के शब्द में अथवा रसूल मोहम्मद साहेब के शब्द में अमृत सूरत कहा। खुदा का स्वरूप कैसा है? अमृत सूरत यानी कि किशोर स्वरूप है। और वो कहते हैं मैंने जुल्फिकार खुदा का दर्शन किया। तो राज्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए वो घुंघराली बाल जुल्फिकार खुदा, और मैंने बात किया हो कहते हैं, और बात करते समय क्या क्या हुआ? कहा
कहां सुभाने मुझको। अब इसमें बहुत सारी संवाद है। वहां पर मुर्गा चोंच में खाक लेकर के बैठा था। रसूल मोहम्मद साहिब ने खुदा को पूछा, खुदा ने कहा तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया। तो क्या गुनाह किया, इसका अर्थ खुलासा करते हैं प्राण जी। वो मुर्गा शब्द में जो आया है शब्द, वो श्यामा जी महारानी सहित ब्रह्मात्माएं चोंच में खाक लेकर के बैठने का मतलब दिल रूपी चोंच में असत जड़ दुख रूपी खेल देखने की इच्छा रूपी खाक को लेकर के बैठना, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। ये सारी प्रसंगों को खुलासा किया है, ये विस्तार का प्रसंग है। और यहां जितने शब्द आया सार में कहे तो कहते हैं कहा सुभाने मुझको हरफ 90,000। खुदा ने रसूल को 90,000 हरफ सुनाए, जिसमें 30,000 शरीयत परक, 30,000 हकीकत परक और 30,000 मार्फत परक था। और उसके लिए क्या कहा, यहां स्वयं कहते हैं कहा 30,000 कीजियो। खुदा ने रसूल को कहा 30,000 जो शरीयत परक है इसको जाहिर करना, और 30 तुम पर अख्तियार, 30 तुम्हारा जिम्मेदारी। कहने का मतलब कोई योग्य पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना, हकीकत पर ज्ञान। और बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए। खुदा ने रसूल को हुक्म किया कि बाकी 30,000 हरफ जो मार्फत पर है ना, मार्फत मतलब विज्ञान परक है ना, उसको छुपा करके रखना, किसी के पास जाहिर ना करना। तो वो कब जाहिर होगा, बक्का दरवाजे खोलसी आखर को हम आए। देखिए तो खुदा स्वयं ने रसूल को क्या कहा, आखर के समय में मैं स्वयं आऊंगा और वो 30,000 मार्फत पर ज्ञान को खोल करके बक्का द्वार यानी कि अखंड परम धाम का दरवाजा मैं खुद खोल दूंगा। ये खुदा और रसूल के बीच के यानी कि मोहम्मद और धामधनी के बीच के संवाद है। और ये ज्ञान को लेकर के रसूल जब ध्यान से वापस आए, अब आगे 23 वर्ष तक, 23 मतलब उनकी पूरा जीवनी 63 वर्ष का है, 40 वर्ष की उम्र में दर्शन है। आगे 23 वर्ष तक में रसूल मोहम्मद साहिब ने क्या किया, 30,000 जो शरीयत था, शरीयत मतलब कर्म कांड, इसको सबको पढ़ाया सिखाया लिखाया समझाया, उसी के ऊपर चलाए शरीयत। 30,000 हकीकत के लिए क्या कहा था, योग्य पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना, ज्यादा चर्चा न करना कहा था। मोहम्मद साहिब के बेटी और दामाद अली फतिमा, जिसको योग्य पात्र समझा लिख करके छोड़ दिया, ये हकीकत है। और मार्फत खुदा ने क्या कहा था, ये जाहिर मत करना, कयामत के दिन मैं स्वयं आऊंगा और इसी मार्फत के द्वारा अखंड का दरवाजा खोल दूंगा कहा था। अब इसके लिए रसूल मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी के रूप में, वो हकीकत परक ज्ञान है ना, वो हकीकत परक शब्द के बीच में ही भविष्यवाणी के रूप में ये संकेत रखा गया कि कयामत के दिन खुदा स्वयं आएंगे और वो स्वयं मार्फत को जाहिर करेंगे। कयामत का दिन कब होगा, फरदा रोज कयामत, कल का दिन ही कयामत है। उस समय के लोगों ने कहा कल के दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, तो अब आगे उन्होंने कहा नहीं, रब का दिन एक दुनिया का 1,000। रब यानी कि परमात्मा के एक दिन बराबर दुनिया का 1,000 साल होगा, इसलिए फरदा रोज कयामत कल का दिन कयामत कहना जाहिरी लोगों के हिसाब से नहीं था, रब के हिसाब से था। इसका अर्थ क्या हुआ, मोहम्मद साहेब ने अपने समय से 1,000 साल बाद के समय को क्यामत का दिन अथवा फजर का दिन कहा, और उसी दिन खुदा यानी कि परमात्मा इमाम के रूप में जाहिर होने की भविष्यवाणी किया और कहा मेरे पीछे कोई ना आओसी, एक रूह अल्लाह आओसी ओ इमाम कहलाओसी। वो 1,25,000 पैगम्बरों में से आखिरी पैगम्बर है। अब कहा अब मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होंगे, आखिर के समय में रुहल्ला आएंगे और इमाम के रूप में जाहिर होंगे। और उस कयामत के दिन जब खुदा आएंगे ना, वो काजी बनकर के आएंगे यानी कि न्यायाधीश बनकर के आएंगे, और मैंने अभी जो शरीयत का शिक्षा दिया हो मेरे कहे प्रमाण चलेगा तो एक नमाज का 1,000 गुना फल मिलेगा,
और जो मेरे कहे प्रमाण नहीं चलेगा अथवा इसको ठुकराएगा उसको फिर उसी माफक 1000 गुना ज्यादा दोजख के अग्नि में जलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शब्दों को रखा। कहने का अर्थ कुरान की इन हकीकत के अंदर ही कयामत के दिन खुदा आने की भविष्यवाणी संकेत के रूप में रखा। अब रसूल मोहम्मद साहेब के जाने के 1000 साल समय के बाद अथवा 1000 साल समय बीतने में 9.25 वर्ष का समय ही बाकी था। निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का आगमन का समय है, जो लालदास जी महाराज ने बीतक में क्या कहा, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मीसल गाजियो सैया उतरे तब। 1000 साल बाद में आएंगे कहा था ना, तो कितना समय व्यतीत हुआ, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब 990 वर्ष 9 महीना व्यतीत हुआ रसूल मोहम्मद साहेब का गया हुआ, मतलब 1000 साल के लिए कितना बाकी रहा, 9.25 वर्ष ही बाकी था। इतने समय में रूह अल्लाह क्या कहा था उन्होंने अपने शब्द में, मेरे पीछे कोई ना आवश्यक एक रूह अल्लाह आवश्यक कहा था ना लालदास जी महाराज ने, उसी को खुलासा करके यहाँ कहा, साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह और मिशल गाजियो मतलब मर्द जमात ब्रह्म सृष्टि की जमात साथ में सैया उतरे तब, ये जागरण के ब्रह्मांड में सैया का अवतरण हुआ। रासलीला पूरी होने के बाद परमधाम में तंद्रावस्था में जागृत हुए थे ना वो आत्मा, वही आत्मा फिर अब जागृत के ब्रह्मांड में कलयुग के 4660 वर्ष का समय बीतने के बाद ये धरती में अवतरण होते हैं। तो आते समय प्रारंभ हुआ सुंदरबाई सखी से विक्रम संवत 1638 मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में, यहां से जागृत के ब्रह्मांड में आत्माओं का आगमन प्रारंभ हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, रसूल मोहम्मद साहेब ने 1000 साल बाद में रुहल्ला आएंगे करके जो भविष्यवाणी किया था वो सिद्ध हुआ। 10वीं 11वीं 12वीं सदी का समय करके कहा था, उसको महामति प्राणनाथ जी कहते हैं 10वीं सदी सदगुरु का समय और 11वीं सदी महामति प्राणनाथ जी का समय, और खुदा आकर के मार्फत जाहिर करेंगे करके कहा था सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी। मैंने कल भी कहा था प्राणनाथ जी के अंदर कौन सी शक्ति है, श्री धनी जी को जोश तामदनी की आवेश शक्ति, वो पधार करके मार्फत यानी कि परमधाम को, मार्फत मतलब विज्ञान, विज्ञान मतलब वो परमधाम का प्रेम वाणी के माध्यम से जाहिर कर दिया। और काजी आकर के कजा करेंगे कहा था ना, कजा करना मतलब न्याय करना, तो क्या न्याय किया, ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम तारतम के द्वारा, ईश्वरीय सृष्टियों को अक्षरधाम तारतम के द्वारा, और जीव सृष्टि को अपने अपने अंकुर अपने अपने कर्म अपने अपने भाव माफक बेहद भूमि में अष्ट रिश्ते में अखंड मुक्ति प्रदान किया, जो रसूल मोहम्मद साहेब ने 4 विस्त का निरूपण किया था और कहा था कयामत के दिन और 4 विस्त करके 8 विस्त जाहिर होगा करके। विस्त हाल 4 कुरान में कहया 8 होशी आखर, ए भी सुनो बेवरा देखो मोमिनो सहुर कर, ये वाणी खुलासा किया। और रसूल मोहम्मद साहेब ने कयामत का 7 निशानी बताया था, दावातुल अर्ज का जाहिर होगा, काना दज्जाल का जाहिर होगा, आजूज माजूज का जाहिर होगा, मगरब से सूरज उगेगा, रूह अल्लाह जाहिर होंगे, इमाम मेदी जाहिर होंगे, और असराफिल सुर्ख फूकेगा, एक बार सुर फूकते समय पहाड़ को गिराएगा, दूसरे वेर सुर फूकते समय पहाड़ को उठाएगा, ये कहा था। आखिरी इमाम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी पधारे और तारतम ज्ञान रूपी जागृत बुद्धि के द्वारा ये असराफिल के द्वारा सूर फुका गया, जागृत बुद्धि के ये तारतम ज्ञान जाहिर हुआ। महामति प्राणनाथ जी क्यामत नामा वाणी के अंतिम में कहते हैं, एक सूर्य उड़ाए के दिए दूसरे तेरे ही में कायम किए, यो क्यामत भई जाहिर दिन मोहम्मदे करी उमत रोशन, एक बार सूर फूक करके उड़ाए दिए, निज नाम 16 अक्षरी मंत्र जाहिर हुआ ना, ये असराफिल का पहला सूर है, 4 ब्रह्मांड प्रति के आस्था को उड़ा दिया,
दूसरे तेरे ही में कायम के, दूसरी बार सोर फूका मतलब 18,758 चौपाई वाणी रूपी सोर फूका। तारतम देख विचार की पियू लियाए बेर दोए, तो दो बार तारतम लाने का अर्थ क्या है? एक बार तारतम लाना मतलब निज नाम सोड़ अक्षरी मंत्र जाहिर होना, एक बार सूर फूकना है। अनादि अक्षराति परम धाम जाहिर हुआ तो क्षर ब्रह्मांड पहाड़ गिर गया। और पियू लियाए बेर दोए दूसरी बार लाना मतलब अखंड वाणी, ये तारतम वाणी 18,758 चौपाई के रूप में वाणी अवतरण हुआ। ये अस्त्राफिल का दूसरा सूर फूकना है जिसके द्वारा क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा यही 18,758 चौपाई वाणी के माध्यम से ही ब्रह्म सृष्टि को परम धाम में कायम किया, ईश्वरी सृष्टि को अक्षर धाम में, और नाश्वांत अंकुर वाले जीव को भी ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नए अंकुर कर किए नहीं चल देख नजर, अष्ट विस्त में कायम किया अखंड किया। तो इस तरह से दूसरी बार सुर फूकते समय तेरे ही में कायम किए, तेरे ही सदी के समय के अंदर में तो कार गुजार सबको अखंड कर दिया अथवा तत्क्षण कायम कर दिया। यो कयामत भई जाहिर दिन, इस तरह से रसूल मोहम्मद साहेब ने कयामत का दिन का जो निशानी संकेत किया था ना, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं सदी फजर का दिन यानी कि आत्मा जागृत होने का दिन करके कहा था ना, मोहम्मद करी उम्मत रोशन, आखिरी मोहम्मद स्वरूप महामति प्राण जी ने उम्मत रोशन किया, मतलब सारी आत्माओं को, उम्मत मतलब जमात, जमात मतलब ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि सबको रोशनाई किया, मतलब अपने अपने स्थान में पहुंचा दिए। तो इस तरह सदगुरु प्राण जी के आने से हजार साल पहले ही धामधनी की आवेश शक्ति तृतीय स्वरूप में आकर कुरान ग्रंथ के द्वारा भविष्यवाणी किया, स्वयं भविष्यवाणी माफक सदगुरु प्राणजी स्वरूप कयामत के दिन दसवीं ग्यारहवीं सदी के समय में आकर के तारतम के माध्यम से सबको अखंड सुख प्रदान किया। आत्मा जागृति का नाम ही कयामत है, कयामत का मतलब प्रलय, प्रलय का मतलब है आत्मा जागृत होना। और इस तरह से रसूल के द्वारा साक्षी, सदगुरु के द्वारा कुंजी और महामति प्राण जी स्वरूप के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा खोल देना। इस तरह से तीनों स्वरूप के द्वारा अर्सजीम यानी कि परम धाम को जाहिर किया गया। तो मेहर सागर के प्रकरण में क्या आता है चौपाय, मेहर रसूल होए आया मेहर हक लिए फुरमान, कुंजी लाए मेहर की करी मेहर हक पहचान। मेहर रसूल होए आया, धामधनी की कृपा के द्वारा ही रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में धनी पधारे, मेहर रसूल होए आई, मेहर हक लिए फुरमान, धनी के मेहर के द्वारा ही हक का फुरमान परमात्मा की वाणी लेकर के रसूल मोहम्मद साहेब आए यानी कि कुरान ग्रंथ के रूप में फुरमान लेकर के आए, और उस वाणी को खोलने के लिए सदगुरु महाराज रूह अल्लाह स्वरूप में कुंजी लेकर के आए। तो कहते हैं आगे क्या, कुंजी लाए मेहर की, कुंजी यानी कि तारतम ज्ञान रूपी चावी मेहर के द्वारा ही लाए, और तारतम के द्वारा क्या किया, करी मेहर हक का पहचान, हक का पहचान कुंजी यानी कि तारतम रूपी चाबी के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा खोल करके किया। तो इस तरह ये तीसरे दिन की लीला रसूल मोहम्मद साहेब की लीला है, और उसी के साथ में प्रसंग चौथी पांचवी छठी दिन की लीला भी जुड़ जाता है। तो सार रूप में जितने भी प्रसंग के ऊपर प्रकाश डाल पाए, आज के लिए हम यहीं पर विश्राम करते हैं। मेहरे रसूल होए आया, मेहरे हक लिए फुरमान, कुंजी लाए मेहर की करी मेहरे हक पहचान, करी मेहरे हक पहचान। बोलो श्री सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।
बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रथम लाघु दो चरण को धनी न छुड़ा योचिना लांक तले लाल येड़िया मेरी जीव के यही जीवन श्री प्राणनाथ निज मोल पति श्री मेहराज सोना तेज कुरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहै तेजस्वनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में सप्त दिवसीय कार्यक्रम के आज तृतीय दिवस में उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। वाणी चर्चा का रसपान करा रहे परम वंदनीय परम आदरणीय महाराज जी को प्रणाम। संपूर्ण धर्म प्रचारक धर्म प्रचारिका साधक साधिका समस्त सुंदर साथ जी आप सभी को सादर प्रेम प्रणाम प्रणाम। हम लोग कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे महाभूतान्यहंकारो बुद्धि रवक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिय गोचराः। श्रीमद् भगवद गीता के इस 13वें अध्याय के पंचम श्लोक तक हम लोगों ने श्रवण किया। जैसे कि भगवान ने प्रथम अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बातें कही कि शरीर जो है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। यह जो शरीर है ये क्षेत्र है और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा वो क्षेत्रज्ञ कौन है, तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विद्धि, वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तीसरे में पुनः उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं समास रूप में अर्थात संक्षिप्त में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताता हूँ कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र का गुण धर्म क्या है, ये कैसे हुआ क्या है,
ये सब कुछ बताने के लिए भगवान ने एक प्रतिज्ञा की। चौथे में तो इन्होंने इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में शास्त्रों में क्या कहा, ऋषियों ने क्या कहा ये बताया, और पांच और छठे में इस क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं। जो हम लोगों ने पांचवें के ऊपर श्रवण किया था कि भगवान ने कहा कि महाभूतानि अहंकारो, पांच भूत हैं अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त अर्थात प्रकृति, जिसे भगवान ने माया भी कहा। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत ही बलशाली है। इस प्रकृति को कहीं पर माया शब्द भी कहा, कहीं त्रिगुणात्मिका माया कहा, तीन गुणों वाली सत रज और तम, जिसे अव्यक्त भी कहा। मतलब जब वो व्यक्त नहीं होती है तो अव्यक्त, जब वो व्यक्त होती है तो उसके द्वारा ये विस्तार होता है। फिर 11 इंद्री बताया, पांच ज्ञानेन्द्री, पांच कर्मेन्द्री और एक मन। मन जो है ना, मन उभयपदी है, कभी ये इसे कभी अंतस्करण में भी शास्त्र में गिनती किया जाता है और कभी इंद्रियों में भी गिनती किया जाता है इस मन को। तो यहाँ पर उन्होंने मन को इंद्री में गिनती किया है, तो 11 इंद्री बताया और कहा कि पंच चेंद्रिय गोचराह, पांच क्या है इसके विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पंच विषय हैं। अब इसी को सांख्य कारिका में जो 24 तत्व बताया, जो हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि प्रकृति के द्वारा किस तरह से विस्तार होता है, और एक प्रकृति को लेकर के महामति श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर किस तरह से विस्तार किया कि वास्तव में प्रकृति का भी मूल कहाँ है, क्योंकि ये तो विस्तार हुआ है, सृष्टि जो है, ये जगत जो है ये उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न का कारण कहाँ है, क्योंकि ये कार्य है, तो यदि ये संसार, ये सृष्टि, यदि ये कार्य है तो इसका कारण कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो कारण का पता प्रणा जी ने लगाया। और ये जो प्रकृति का भी मूल कारण है वो अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करण का जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, सत्स्वरूप के महाकारण में ये मूल प्रकृति है। फिर वहाँ से सवलिक के सूक्ष्म चिदानंद लहरी में आया, और सवलिक से भी उस चिदानंद लहरी से पुनः अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति के रूप में, पुनः वहाँ से अपर प्रणव के अंदर, जो हमारा प्रणव ब्रह्म है, प्रणव में जो दो विभाग है, पर प्रणव और अपर प्रणव, अपर प्रणव में आया, और फिर वहाँ से पुनः आदिनारायण के अंदर आकर के, और जब आदिनारायण ने इच्छा किया तो इच्छा शक्ति के रूप में वो उत्पन्न हुई, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं। तो वो प्रकृति का तारतम्य ने जब दृष्टि दे डाला तो वो प्रकृति को वहाँ पर पाया, और वो प्रकृति यहाँ आते 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 संसार में इस तरह से विस्तार होता है। तो ये 24 तत्व को भी संख्य के आधार पर 24 तत्व को श्रवण किया, ये 24 तत्व जो है ये सब कहा कि ये सब के सब क्या हैं, क्षेत्र कोटि में आते हैं। एक पुरुष तत्व बताया, वो पुरुष तत्व जो है ये क्षेत्र से अलग है। तो क्षेत्र की बात भगवान यहाँ बता रहे हैं, तो क्षेत्र ये 24 के 24 तत्व क्या है, क्षेत्र कोटि में आते हैं। पांच विषय बताया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अगर संसार में देखेंगे तो अनंत विषय हैं, लेकिन भगवान ने इस पांच के अंदर ही अनंत विषयों को समेट लिया है। इस पांच के अंदर ही संसार के जितने विषय हैं वो सब इसी पांच के अंदर आ जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी पांच के अंदर जो अनंत रूप में दिखाई देने वाले विषय हैं वो किसी न किसी रूप से इसी पांच के अंदर ही समावेश होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर पांच विषय बताया, और आगे जो छठा श्लोक है, छठे में कहते हैं कि इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारितम। यहाँ पर
इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और संघातस चेतना और धृति, छह बताया भगवान ने। तो वो पहला बताया इच्छा। अब इच्छा भी किसमें है, ये भी ये जो छठे श्लोक में बता रहे हैं ये भी क्षेत्र कोटि का ही बता रहे हैं। तो जो इच्छा है, इच्छा मतलब क्या है, जो कुछ भी हम इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। अब इच्छा चीज जो है ना, देखिए कैसा है, संसार में कुछ भी हम इच्छा करते हैं वो इच्छा से ही होता है। हम कहें कि हम इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर हम आगे किसी कार्य में सक्रिय हो ही नहीं सकते हैं, कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर इच्छा जगती है कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, यहाँ जाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये सब क्या है, इच्छा है ना। अब जो इच्छा है ना, वो इच्छा आपका सांसारिक भी हो सकती है और परमार्थ भी हो सकती है। अगर वो सांसारिक इच्छा है, जैसे मान लीजिए हमने इच्छा किया कि हमें मकान बनाना है, इच्छा किया, पर इच्छा करने मात्र से मकान तो नहीं बनेगी ना, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके बाद उसके लिए कितनी क्या क्या सामग्रियां चाहिए वो सामग्रियां जुटानी पड़ेगी, उसको बनाने के लिए आपको लेबर मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा, और उसके सहयोगी में क्या क्या चाहिए वो सब कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सब हमें परिश्रम करना पड़ा किस चीज पे, केवल एक इच्छा से। अब किसी भी मार्ग में आप इच्छा लीजिए, मतलब संसार के किसी भी कार्य में, भौतिक कार्यों में कोई भी इच्छा लीजिए, तो एक इच्छा में हमें कितना कार्य करना पड़ता है, उसके पीछे हमें बहुत से दुख कष्ट आदि भी उठाने पड़ते हैं। तो जब हम मायावी इच्छा करते हैं, सांसारिक इच्छा करते हैं, तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है, पीड़ा शुरू हो जाती है। और जब हमारी इच्छा परमार्थ की तरफ होती है, जैसे मान लीजिए अब हमें इच्छा उत्पन्न हो गई कि अब हमें क्या करना है, भजन भक्ति करनी है, है ना? अब क्या है, हमारी इतनी आयु तो निकल गई, अब जो बची है अब इसमें क्यों गंवाना है, अब कुछ भजन भक्ति के लिए हम करें। हमारी दिल में एक संकल्प उठा कि हमें क्या करनी है, भक्ति करनी है। ये एक संकल्प, ये एक इच्छा ही अब हमें सुख की ओर ले चलती है, शांति की तरफ ले चलती है। क्यों? परमात्मा कैसे हैं, उनका आज वो तो प्रसन्न चित रहने वाले है ना, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल, वो तो सदा प्रसन्न चित रहने वाले परमात्मा, जब हम उनकी तरफ उन्मुख होते हैं ना, तो वो हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाती, हमें भी वहीं से सुख आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। सुख तो संसार में भी है, लेकिन संसार के सुख के पीछे दुख है, पर भक्ति के पीछे, भक्ति करने से जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, वो संसार के प्रत्येक दुखों को भी मिटाने वाला है। तो एक इच्छा मात्र है, अब ये इच्छा अगर हम सांसारिक करते हैं तो वहीं से दुख शुरू हो जाता है, और वही इच्छा जब हम परमार्थ की तरफ बढ़ते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा को प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें हमारे जीवन में एक सुख शांति, एक संसार का जो एक क्लेश था धीरे धीरे ये मिटता है, और परमात्मा की तरफ हम अग्रसर होते हैं, और ऑटोमेटिक हमारे भीतर वो शांति भरती है। क्योंकि परमात्मा का जो गुण है, तो जब हम परमात्मा में लगेंगे तो हमारे भीतर वही गुण आएगा, और संसार की तरफ लगेंगे तो जो संसार का गुण है हमारे भीतर वही आएगा। तो ये इच्छा। दूसरा बताया द्वेष। ये द्वेष कब होता है, द्वेष के साथ यहाँ पर राग भी ले लीजिए, क्योंकि भगवान ने पूरा गुण यहाँ पे, संसार में बहुत सारे गुण हैं, यहाँ पर तो उन्होंने बस छह का नाम लिया, पर भगवान भाष्यकार ने कहा और भी इसके साथ जितने आते हैं उसको आप समग्र में समझ लेना। तो द्वेष, द्वेष के साथ राग भी समझिए। ये राग और द्वेष कब आते हैं हमारे भीतर, जब किसी वस्तु में हमें दुख हो रहा है। मान लिया कि हमने कभी कोई ऐसा चीज अनुभव किया है कि उसको पाने के बाद हमें दुख आया है, कष्ट आया है,
तो उसको सोचने मात्र से ही क्या हुआ, दुख आया। वो सामने में जब हमारे उपस्थित होगा तो उससे क्या होगा, हमें ऑटोमेटिक द्वेष होगा। वो कुछ भी हो सकता है, कोई सामग्री हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, वो मौसम हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, वो खान पान हो सकता है, भोजन आदि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिससे हर व्यक्ति को हर वस्तु में प्रेम हो, ऐसा नहीं होता। द्वेष तो होता ही है किसी न किसी चीज से। हर भोजन हर किसी को पसंद नहीं है, हर कलर हर किसी को पसंद नहीं है, हर स्थान हर किसी को पसंद नहीं है, हर व्यक्ति हर किसी को पसंद नहीं है। तो ऑटोमेटिक हमें जो पसंद नहीं है उससे हम दूर ही रहते हैं, अलग ही रहते हैं। तो जो चीज हमें पसंद नहीं है या जिस चीज को प्राप्ति के बाद हमें दुख हुआ है, हमने कभी पूर्व में अनुभव किया है, वो चीज यदि हमारे सामने में आया तो ऑटोमेटिक हमें उससे द्वेष होता है। और जिस वस्तु से हमने सुख का अनुभव किया है, मान लीजिए खान पान का चीज है, हमारी जीवा ने बहुत अच्छा उसका स्वाद लिया है, तो उससे हमें क्या होगा, राग हो जाए। कपड़े आदि है, यदि हमें बहुत पसंद की चीज वस्त्र हैं तो वो देखते ही हमें राग उत्पन्न होगा, उसे पाने की इच्छा होगी। कोई स्थान है जो बहुत ही आनंददायी वातावरण है, बहुत ही सुखमय वातावरण है, तो सुनते ही अरे वहाँ की बात तो नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्या हुआ, राग हुआ। तो जहाँ से सुखमय हमें प्राप्त होती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, या हमें शांति महसूस होता है किसी से मिलने से हो, सामग्री से हो, वस्तु आदि से हो, जिस चीज से, तो जब वो सामने में आता है तो फिर क्या होता है, उससे राग होता है। और फिर कहा सुखम दुखम, यही है सुख और दुख। जब हमारे सामने में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आए, हम यही चाहते हैं कि सुख ही सुख बना रहे। तो ये जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में आने वाली, सात्विक परिस्थिति हमारे जीवन में आई, अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आई तो हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, और प्रतिकूलात्मक परिस्थिति आई तो हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो ये सुख और दुख ये भी हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव में होते हैं। तो ये हमारे जीवन, ये क्षेत्र कोटि में आने वाला है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है। अब इससे जितने भी संसार के गुण है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये सब ले लीजिए, और ये सब क्या है, क्षेत्र कोटि में आने वाला है, और ये सब हमारे अंतस्करण की वृत्ति है, क्योंकि इसका कोई रूप रंग नहीं है, ये हमारे अंतस्करण पे प्रभाव डालता है। सुख आया, दुख आया, ये कहाँ प्रभाव डालता है, हमारे अंतस्करण पे प्रभाव डालता है, हमारे मन को मलिन करता है। यदि सुख आया है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और दुख आया तो हमारा मन दुखी हो जाता है। तो ये हमारे अंतस्करण की वृत्ति, अंतस्करण में ये पड़ने वाले हैं, जो हमारी क्रियाओं के द्वारा हमें ये पता चलते हैं। तो ये कभी प्रतिकूलात्मक परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी अनुकूलात्मक परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में इच्छा, द्वेष, राग आदि रहते हैं। अब जिसके साथ द्वेष है वो सामने में आ जाए और फिर वो हमें कुछ और बोले तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सब जितने भी हैं, कहा कि ये सब क्या है, क्षेत्र कोटि में। और आगे कहा संघातस चेतना धृति, इस संघात का मतलब होता है समूह, समुदाय। तो ये जितने भी देह और इंद्रियों के जो समुदाय है ना, इनको कहा एक ही शब्द में संघार। और जो भी हमारे जो अंतस्करण है, अंतस्करण तो हमारी आत्मा नहीं है,
पर अंतस्करण में ये सुख है, ये दुख है, ये उष्ण है, ये शीत है, ये जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है अंतस्करण के द्वारा, ये कैसे हमें ज्ञान हो रहा है? अंतस्करण तो हमारी आत्मा नहीं है, फिर ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान इसलिए हो रहा है कि हमारी जो चेतना आत्मा है वो हमारे अंतस्करण में प्रतिबिंबित होता है, जिसके कारण हमें ये सब अनुभव होता है। तो कहा संघातस चेतना, इन सभी संघातों में क्या है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो हमारे अंतस्करण की वृत्तियों में अभिव्यक्त होता है, प्रतिबिंबित होता है, जिसके कारण हम ये सब अनुभव करते हैं। जैसे एक लोहा अग्नि में डाल दीजिए तो वो लगता है कि ये अग्नि ही है ना। जब लोहा एकदम गर्म हो जाता है तो वो अग्नि का ही रूप ले लेता है, अग्नि का ही रंग ले लेता है, लेकिन वास्तव में अग्नि नहीं है ना, उसने अग्नि का रंग लिया है, है तो वास्तव में वो लोहा है। ऐसे हमारे जो अंतस्करण है ये आत्मा नहीं है, लेकिन इन अंतस्करण में वो आत्मा प्रतिबिंबित हुआ है, ये अंतस्करण के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है। तो कहा कि ये जो सभी समुदाय है ना हमारी देह और इंद्रियों के, जैसे इससे पहले जो हमारी इंद्रियां कहा श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका आदि, ये सब और ये इच्छा द्वेष सुख दुख आदि, इन सब में क्या है, ये सभी समुदायों में हमारी अंतस्करण में जो पड़ी हुई आत्मा का प्रतिबिंब है, उस सब इनमें क्या होता है, अभिव्यक्त होता है। तभी तो हम एकदम सुसुप्ति अवस्था में सोए होते हैं, है ना, हमारे मन भी सो जाती है, हमारी इंद्रियां सो जाती हैं, है ना, फिर भी हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, बच्चा है तो उसकी हड्डी बढ़ती है, क्यों? चेतना है इसलिए इसके द्वारा ये क्रिया हो रहा है, ये हो रहा है। एकदम सुसुप्ति अवस्था में भी हमारे शरीर में ये बदलाव, ये परिवर्तन हो रहा है। तो संघातस चेतना, और एक कहा धृति, धृति मतलब धैर्य, धैर्य कहते हैं ना, अरे धैर्य ही नहीं है, धैर्य बना के रखो बोलते हैं ना, ये धैर्य मतलब क्या है? देखिए, जब हम कर्म करते करते कर्म करते 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 थक जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, अरे ये सब छोड़ो अब विश्राम करना है, है ना। तो अगर हमें कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और फिर कर्म करना हम बंद कर दिए तो वो लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु हम थक चुके हैं, अब हम करना नहीं चाहते हैं, उस समय में क्या होना चाहिए, धृति होना चाहिए। धृति गुण एक ऐसा है, धैर्य होना चाहिए कि जो हमें उसमें प्रेरित करता है बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य धारण कहते हैं ना, धैर्य धारण करो, हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। कहने का मतलब हिम्मत नहीं हारना, ये धृति गुण का एक धैर्यता होना चाहिए, धैर्य गुण। अब ये भगवान ने ये सब बताया, अब बताने के बाद अब लास्ट में कहते हैं कि एतत् क्षेत्रम समासेना, ये सब यहाँ तक मैंने जो पांचवें और छठे श्लोक में बताया, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्र है, अनात्मा है, इसे आत्मा मत समझना। हम भूलवश तो यही करते हैं ना, अनात्मा को आत्मा समझ करके बैठ जाते हैं। हमारे सबसे बड़ा बंधन का कारण, दुख का कारण यही है कि हम असत्य को सत्य मान करके बैठ गए। तो भगवान ने कहा कि ये क्षेत्रज्ञ नहीं है, ये क्षेत्र है, केवल अविद्या के कारण हम इसमें लगे हुए हैं। मेरी मेरी करत दुनी जात है, मेरा है मेरा है मेरा है, हम मेरा मेरा कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्षेत्र को कह रहे हैं, आत्मा को नहीं कह रहे हैं। मेरा जो है ना, मैं से अलग होता है, मैं और मेरा, मैं से बिल्कुल मेरा अलग है, और वो जो जितना भी मेरा पदार्थ है ना वो सब अनात्मा है, वो सब क्षेत्र कोटि का है। तो कहते हैं कि मैंने इसे संक्षिप्त में बताया, ये तत् क्षेत्रम समासेन,
संक्षिप्त रूप में बताया। और सविकार मुदाहृतम, ये सब क्या है? ये सब विकार हैं, जो विकार का मैंने वर्णन किया। इसको क्या करना है? तत्वतः जानना है। इसको जानने वाला कौन है? वो है क्षेत्रज्ञ। हमारी आत्मा ही तो जानती है, हमारी आत्मा ही विवेचन कर सकती है सत क्या है असत क्या है। आत्मा के द्वारा, आत्मा मतलब क्षेत्रज्ञ, ये सब कुछ तत्व रूप से जानने वाली वही है। यदि ये उसको जान जाए, समझ जाए, फिर तो न राग न द्वेष, ये सब हट जाएगा। ये राग द्वेष जो है, ये हमारी ना समझी के कारण है। अगर हम इस समझ जाए कि सब क्षेत्र कोटि का है, तो फिर हम इससे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। तो कहा कि ये सब विकार हैं, और मैंने इसको संक्षिप्त में बताया, इतना ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सार रूप में ये क्षेत्र के विषय में बताया। और ये क्षेत्र को जो जानने वाला है वो तत्वज्ञानी, वो क्षेत्रज्ञ है। जो इसको तत्वतः जान लेता है वो इससे अलग रहता है। देत दिखाई दुनिया जैसी, अक्षरातीत के वासी। रहते तो दुनिया में ही है, कार्य व्यवहार तो दुनिया का जैसा है, खाना पीना उठना बैठना रहना सोना सब कुछ दुनिया जैसे ही दिखाई देता है। लेकिन जो समझ है, जो तत्व का वो ज्ञान जो जुड़ा हुआ है, वो संसार से नहीं, वो धाम से जुड़ा हुआ है। संसार में है, व्यवहार है, वो सब कुछ चलेगा, लेकिन जो हृदय का कनेक्शन है वो किसके साथ होगा? परमात्मा के साथ होगा। राजा जनक जी राजा थे, रेशमी वस्त्र पहनते थे, लेकिन बिल्कुल उनकी आसक्ति उसमें नहीं थी। परम ज्ञानी थे, संसार से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। सुन रहे हैं ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं कि आ करके उनके सेवकों ने कहा आग लग गई। बोला आग लग गई तो लगने दो, लगने दो। स्वयं महाराजा छत्रसाल को देखिए, एक राजा है। केसरबाई जब मिली छत्रसाल महाराज से तो नाक बंद कर लिया। छत्रसाल महाराज समझ गए कि मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, कि मतलब उनका नाक बंद करने का तात्पर्य आप तो पूरी तरह से माया में मिले हुए हो। छत्रसाल महाराज समझ गए भाव को, उन्होंने अपने चरण का अंगूठा दबाया कि माया तो मेरे पैर के अंगूठे के वर्ग को भी नहीं छू सकती। तो ऐसा नहीं है कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, तो हम एकदम माया में ही मिले हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम माया में ही हैं, संसार में हैं, लेकिन हमारा परिवेशन कहाँ हो रहा है? हमारा जो हृदय का मिलन है, भावना है, वो स्तर कहाँ पर जुड़ा हुआ? तो ये सब जो कुछ है जगत पदार्थ, ये कहा ये सब क्या है? ये विकार है, ये क्षेत्र है, जो क्षेत्र कोटि में आता है। अब भगवान ने पांच श्लोक तक बताया क्षेत्र के विषय में, क्षेत्रज्ञ के विषय में, वो क्षेत्रज्ञ कौन है वो बताया, फिर इसका वर्णन कहाँ कहाँ कैसे हुआ है वो संक्षिप्त में बताया, फिर इसका प्रकार बताया। अब भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के विषय में बताऊंगा, लेकिन अब भगवान जो सातवें श्लोक से है ना, अब कुछ अलग ही प्रसंग लेते हैं। क्षेत्रज्ञ न बता करके अलग ही प्रसंग बताते हैं, जिसमें ज्ञान की बातें हैं। सात से लेकर के ग्यारह श्लोक में पांच, तो इन सब में क्या है, एक अलग ही प्रसंग भगवान ने उठाया। और इन अलग प्रसंगों में उन्होंने एक एक शब्द को उठाया है जो एक साधक के जीवन में जरूरी है। भगवान ने सोचा कि क्षेत्रज्ञ को जब एक गुण होगा तो क्षेत्रज्ञ अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रज्ञ जो है वो कौन है। वो तो चेतन आत्मा है, स्वरूप है, जो इन सब से अलग है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, वो इन में नहीं है। वो पांच तत्व से अलग है, वो षट विकारों से अलग है, वो अवस्थात्रय से अलग है, वो पंचकोशों से अलग है,
वो सबसे अलग जो है वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ, वो हमारी आत्मा है। पर उस आत्मा को ना बता करके अब कुछ गुण बता रहे हैं, जो ज्ञान की भाषा कुछ बता रहे हैं कि वो यदि जीवन में है तो उससे भी क्या होगा, हमें समझ में, क्षेत्रज्ञ के लिए समझने में ही वो भी सहयोग देगा। अथवा कहें कि क्षेत्रज्ञ का विशेषण ही है ये जो अब भगवान आगे बताने के लिए जा रहे हैं। तो सात से लेकर के ग्यारह श्लोक तक 20 जीवन मूल्य बताया, अथवा कहें 20 गुण बताया। और उन 20 में जो ये सातवां मंत्र जो पहला, मतलब पांच में जो पहला है, अथवा कहें कि सातवां जो है, इस एक में ही 9 बताया है। तो कहते अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम, एक साधक के जीवन में एक गुण होता तो नहीं है, उतारना पड़ता है। क्योंकि एक तो हमारा स्वतः स्वभाव होता है जो जन्म सिद्ध है, और एक ऐसा होता है जो स्वतः होता नहीं है, उसको जीवन में लाना पड़ता है। कुछ गुण स्वतः ऐसे होते हैं कि जिसको हमें डिलीट करना पड़ता है और नए को लाना पड़ता है। तो यहाँ जो बता रहे हैं संत महापुरुषों में ये गुण तो घटते हैं, लेकिन हम साधक के जीवन में ये गुणों को उतारना होता है। तो पहले बताया अमानित्व, जो सबसे श्रेष्ठ गुण है। यहाँ पर अब 9 बताया है, एक अमानित्व, फिर अदम्भित्व 2, अहिंसा 3, शांति 4, आर्जवम 5, आचार्योपासनम 6, शौचम 7, स्थैर्य 8, आत्म विनिग्रह, इन 9 गुण बताए, जिसमें कहा अमानित्व। अमानित्व मतलब क्या होता है? अमानित्व मतलब विनय, वैराग्य, अथवा कहें कि जिसमें महत्व बुद्धि ना हो, गौरव बुद्धि ना हो, अर्थात जिसमें गौरव बुद्धि नहीं है उसको अमानित्व कहा। तो जिसमें गौरव बुद्धि है, गौरव बुद्धि अर्थात महत्व बुद्धि, तो वो क्या है? तो उसको कहा कि मानिनो भावो मानित्व, जिसमें एक मान होता है, मतलब कि अपने में कोई उत्कर्ष है, उसका एक आरोप छिपा हुआ, एक राग है कि मैं तो ये चीज हूँ, ऐसा हूँ, कोई पोस्ट पे हूँ या कोई बहुत धनी हूँ, किसी भी चीज को लेकर के जो मान है, एक महत्व बुद्धि है। कहा भाष्यकार ने आत्मना श्लाघन तद्भाव, आत्मना श्लाघन, जहाँ पर गौरव बुद्धि है, श्लाघन मतलब जहाँ गौरव बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, उसको कहा मान। तो गौरव बुद्धि जो है ये मान है, मतलब कि दिखाना, हम ऐसा है, उसमें विनय वैराग्य आदि की कमी जहाँ पर नहीं है, विनय वैराग्य वो क्या है, वो है मान। तो और जहाँ इसका अभाव है वो क्या है, अमानित्व। तो श्लाघन, एक शोभन बुद्धि भी वेदांत में कहा कि शोभन बुद्धि मतलब हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने भीतर वो चीज लेकर के चलना कि मैं तो एक पोस्ट पे हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये सब क्या है, जो एक श्लाघा है ना, जो एक लोगों से एक मान प्रतिष्ठा पाने की जो एक कामना है, जो एक इच्छा है, जो चाहना है, ये क्या है, ये मान है। तो ये ना होना अमानित्व है। तो ये अगर नहीं है तो फिर वो कैसा है, उसके अंदर विनय है, उसके अंदर वैराग्य है,
उसके अंदर एक स्वाभिमान है। स्वाभिमान मतलब वो स्वाभिमान नहीं कि जो स्वाभिमान का नाम तो लेते हैं लेकिन वहाँ आचरण अभिमान का दिखाई देता है। स्वाभिमान का मतलब वो नहीं होता है कि जहाँ अभिमान झलकता हो। स्वाभिमान मतलब जो ये हमारा एक स्वयं का जो एक परिचय है, जो एक पहचान है, यदि हमारी पहचान पे चोट लगे तो अगर हम उस अपनी पहचान की रक्षा कर रहे हैं तो वो स्वाभिमान है, लेकिन स्वाभिमान का नाम लेकर के अभिमान का प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो स्वाभिमान नहीं। तो अमानित्व में ये गुण होता है कि जिसमें एक सरल विनय होता है, एक सरलता, एक स्वभाव उसका है जो विनयी भाव कहते हैं। और इसको यदि व्यवहार में देखेंगे तो विनयी भाव है, और यदि परमार्थ दृष्टि में देखेंगे तो आत्मनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, उसको कहा अमानित्व। तो व्यवहारिक धरातल पर वो विनयी है, और यदि ये परमार्थ धरातल पर देखेंगे तो कैसा है, आत्मनिष्ठ है। निष्ठा का मतलब होता है नितराम स्थिति निष्ठा, जो निरंतर एक ही में रहता हो। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, ऐसा नहीं। जो स्थिति उसकी एक ही है, एक ही में वो जो निष्ठा एकदम लगा हुआ है उसी में, उसको कहते हैं जो निरंतर है निष्ठा। तो उसकी आत्मनिष्ठा जो है, ब्रह्मनिष्ठा जो है, वो परमार्थ धरातल पर उसको अमानित्वम का। एक पहला गुण हो गया अमानित्वम का। दूसरा कहा अदम्भित्वम। अदम्भित्वम का मतलब होता है, दम्भ का मतलब होता है स्वधर्म प्रकटीकरणम, स्वधर्म का प्रकट करना, दिखाना, दिखावा करते हैं ना कभी, स्वधर्म को दिखाना ये क्या हो गया, दम्भ हो गया। मतलब हमें कभी कभी होता है ना कि हम करना नहीं होता है लेकिन अगर किसी को दिखाना है तो हम ऐसे ही करने लग जाते हैं, और सामने वाला आया, देखा और नाम चला और बस वो भी चला साथ में। ये क्या है, जो दिखावा के लिए करते हैं इसको दम्भ कहते हैं। दिखावे की प्रवृत्ति होती है, उस स्वतः की नहीं है, ना करने की है ना कुछ की है, ये स्वतः की नहीं है, बस केवल दिखावा वृत्ति है, उसको दम्भ कहते हैं। तो और कुछ तो ऐसा होता है कि एक तो है स्वधर्म प्रकटीकरणम, कहा भाष्यकार ने, जो अपने पास है उसको दूसरों को बताने की आदत होती है। हम ऐसे, हम वैसे, हमको जानते नहीं हो, हम कौन है, मतलब इस तरह से बताना। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो नहीं है वो भी बताना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम हम जो हैं वो बता रहे हैं, तो उसी को तो भगवान ने दम्भ कह दिया। तो जो हम हैं ही नहीं यदि वो दिखावना शुरू करते हैं तो उसको क्या कहेगा। तो ये दम्भ जो हमारे साधक के जीवन में, ये दिखाने की प्रवृत्ति, हम जो हैं वो हमारी पहचान, जैसे एक पुष्प है ना, वो पुष्प कभी नहीं कहता है कि मैं सुगंध देता हूँ, लेकिन पुष्प को कौन नहीं जानता है कि वो सुगंध देता है, स्वतः ही उसका पहचान हो रहा है। यदि कोई ज्ञानी महापुरुष है ना, तो पहाड़ों पे भी चढ़ करके लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। और यदि हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो यदि हम दिखावा ही करते हैं तो फिर उससे कुछ नहीं होगा, बगल में बैठने से भी उसका कुछ मान आदि नहीं होता। तो दिखाने की जो प्रवृत्ति है उसको कह दिया कि ये तो दम्भ है, जो आपके पास है उसको प्रकाशन करना, बताना। तो ये जो दिखाने की प्रवृत्ति है ये क्या करती है, हमारी साधक जीवन में बहुत ही बाधा बनती है। प्रणनाथ जी ने कहा, जो तू चाहे प्रतिष्ठा धराए बैरागी नाम, साध जाने तो को दुनिया वह तो साधो ति करी हराम। यदि प्रतिष्ठा के लिए हम साधु बनते हैं, मान सम्मान के लिए साधु बनते हैं, तो कहते हैं कि यह तो हराम की तरफ जाता है। अब प्रतिष्ठा मिल रहा है, स्वतः मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे भीतर नहीं होना चाहिए कि मैं तो ऐसा हूं इसीलिए मुझे इस प्रकार का होना चाहिए। स्वतः मिल रहा है, सामने वाला जानता है, जान करके वो दे रहा है,
वो उसको पता है इसलिए वो दे रहा, लेकिन यदि वो हमारे भीतर है, हम उस तरह की चाहना करते हैं, तो फिर कहा कि ऐसे प्रतिष्ठा को तो हटाना चाहिए। मार प्रतिष्ठा पैजारो आए दगा देत विच ध्यान। जब हम प्रतिष्ठा पाने की लालसा में लग जाते हैं तो परमात्मा की तरफ उन्मुख ना हो करके हम विमुख हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ध्यान है किधर लग गई, केवल दुनिया में मान सम्मान पाने की तरफ हम लग गए। और जब मान सम्मान पाने की जब चाहना में लग गए तो उधर ही बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और हम परमात्मा से कब विमुख हो गए हमें पता ही नहीं चला। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि इससे तो अलग होना पड़ेगा। एक आग जो छोटी बुझाई दूजे मोटी लगाई, एक तो बुझाया लेकिन अगर दूसरी आग लगा लेते हैं उससे भी बड़ी आग लगा लेते हैं तो फिर हमारी उत्कर्ष नहीं हो पाता है, अपकर्ष हो जाता है, हम ऊपर चढ़ने के बजाय हम नीचे गिरने लग जाते हैं। तो हम मार्ग तो चुना था ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन कहाँ ऐसे विचलित तो हो गए कि हमको स्वयं को भी पता नहीं चला, क्योंकि ये संसार है, ये माया है, और ये मायावी गुण तो ये कहीं ना कहीं से तो हमें खींचे लेती है। इसलिए तो प्राणनाथ जी ने माया के 13-13 हथियार बताया, एक नहीं दो नहीं 13-13 हथियार, एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुरा चपल। कोई न कोई हथियार ऐसा फेंकती है कि खींच ही लेते हैं। गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि पलंग पे सोया हुआ व्यक्ति नीचे गिरता है, जो ऑलरेडी नीचे सोया है वो कहां गिरेगा। ऐसे ही जो ब्रह्म की खोज में आगे बढ़ता है, माया उसी को खींचती है, जो ऑलरेडी माया में ही पड़ा हुआ है उसको माया क्या खींचेगी, वो तो माया का ही पुजारी बन के बैठा हो। तो इससे ऊपर उठना, इससे हटना, प्रणा जी के स्वयं के जीवन में देखेंगे तो उनका जीवन कैसा रहा। जब वो धनी से के सामने बैठते हैं और सुंदर साथ के साथ जो प्रतिष्ठा पाते हैं तो दोनों का मिलान करके कहते हैं मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, बुजरे की मारे रे साथ जी बुजरे की मारे, जिन बुजरे की लई सिर पर तिनको कोई न उबारे। हमारे बुजरे की मिलती है प्रतिष्ठा मिलता है, वो सामने वाला दे रहा है वो अपने स्वतः से दे रहा है, लेकिन वो हमारे भीतर पाने की कामना न हो, यहाँ भगवान का कहना ये है, प्राणनाथ जी का कहना ये है। यही जो मान अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड बड़ी भाई एक डारी त्यों दूजी विदारो जलाए देव चतुराई। मान क्या है, यही मान जो यहाँ कह रहे अमानित्व, तो अमानित्व का अर्थ तो हो गया विनय, और मान का अर्थ हो गया कि बताने की प्रवृत्ति, गौरव बुद्धि, महत्व बुद्धि कि मतलब मैं ये हूँ मैं ऐसा हूँ अपने भीतर वो चल रहा है, जिसको श्लाघन कहा। और जहाँ इसका अभाव है वो क्या है, अमानित्व। तो यहाँ पे प्राणनाथ जी ने कहा कि छोड़ो रे मान, इस मान को छोड़ो, गुमान अहंकार को छोड़ो, यही खांड बड़ी भाई, यही बहुत बड़ा खांड है, हमें कब ले जा करके धक्का दे करके नीचे गिरा देता है कि हम संभल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि हम कब गिर गए इसके अंदर। तो अदम्बित्वम, तो दम्ब का अर्थ हो गया स्वधर्मम प्रकटीकरणम। दम्बित्वम जो आपके पास है, जो हमारे पास है, उसका प्रकाशन करने की जो वृत्ति है वो दम्ब है। और तद्भाव अदम्बित्वम, और जहाँ इसका अभाव है अर्थात स्वधर्म प्रकटीकरण करने का अभाव है, स्वधर्म मतलब हम जो है उसका पहचान कराना, बताना कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा पद क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, पद प्रतिष्ठा के साथ हमारा मान हमारा सम्मान।
तो ये जो है ये जहाँ पर शून्य है, जहाँ पर ये नहीं है, उसको कहा वो क्या है? अदम्भित्वम। वो हमारी आत्मा का गुण है। अदम्भित्व मतलब जहाँ दिखावा नहीं है, जहाँ प्रकटीकरण नहीं है, वो क्या है? अदम्भित्वम है। और फिर तीसरा गुण कहा अहिंसा। एक है हिंसा, दूसरा है अहिंसा। हिंसा मतलब पाप करना, अहिंसा मतलब पाप नहीं करना। अब पाप नहीं करना में कैसा पाप नहीं करना? कहा अहिंसा अहिंसनम प्राणी नाम पीड़नम। यदि अहिंसा, किस तरह से अहिंसा का मतलब जो किसी भी प्राणियों को कहीं भी किसी तरह से पीड़ा नहीं देता है, वो अहिंसा। ऐसा नहीं है कि केवल हम मार काट नहीं करते हैं तो हम कोई भी अहिंसा नहीं करते हैं। हो सकता हमारे कर्म से हिंसा हो रहा हो सकता है हमारे वाणी से हिंसा हो रहा हो सकता हमारे मन से हिंसा हो रहा हो, हम मन से किसी के विषय में अहित सोच रहे हो, हम वाणी से किसी के विषय में अहित बोल दिए, हम कर्म से कुछ ऐसा कर्म कर दिए कि जिसके द्वारा किसी को उससे दुख होगा, कष्ट होगा, तो ये सब जहाँ नहीं होता है उसको कहा अहिंसा। केवल प्राणियों की हत्या आदि नहीं करना ही केवल अहिंसा नहीं है, ये सब कहा कि सब कुछ जहाँ नहीं हो रहा वो क्या है? अहिंसा। तो न मन से, वाणी से, वचन से आदि से जहां ना हो उसको क्या कहा? अहिंसा। तो कहा अहिंसा परमो धर्म, कहा ना कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो अहिंसा का परम धर्म का मतलब ये नहीं है कि अब हम तो कोई भी हत्यावादी नहीं करते हैं तो बस हो गया ये अहिंसा, नहीं। कहा यहाँ पे प्राणी नाम पीड़नम, मतलब प्राणियों को कहीं भी किसी प्रकार से हम उन्हें दुख और कष्ट न पहुंचाते हों, चाहे मन से हो, वाणी से हो, कर्म से हो, किसी भी तरह से हो, यदि वो पीड़ा नहीं पहुंचता है तो उसको क्या कहा? अहिंसा कहा। आगे शांति है, आर्जवम, आचार्य पाषणम, शौचम, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह। ये आगे के भी गुण बता रहे हैं भगवान, पर अभी समय भी हो चुका है तो हम अहिंसा वृत्ति में ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नौ नौ गुणों का वर्णन किया है भगवान ने, तो अभी चाहने के बाद भी ये नौ गुणों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता है। तो अभी अमनित्वम के विषय में भगवान ने क्या कहा? अदम्भित्वम मतलब जहाँ प्रकटीकरण आदि, स्वधर्म प्रकटीकरण आदि नहीं है, अदम्भित्व है। अहिंसा का मतलब जहाँ पर किसी भी प्राणी मात्र को किसी भी तरह से दुख, कष्ट, पीड़ा आदि नहीं देते हैं, ये सब क्या है? अहिंसा है। अब अहिंसा बोलने से ऐसा भी लगेगा कि एक डॉक्टर के पास जाए तो वो तो पैर ही काट देता है, तो कैसे वो अहिंसा हो सकता है? माता पिता बच्चे को पिटाई करते हैं, यहाँ कहा किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं देनी चाहिए, तो फिर वहाँ भी तो हिंसा दिखाई दे रहा है। आचार्य गुरु कठोर वचन भी बोलते हैं, मारते भी हैं, तो फिर वहाँ पर भी हिंसा दिखाई दे रहा है। हम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, वहाँ पर भी हिंसा, तो फिर ये सब हम कैसे बचे? तो कहा कि ये हिंसा नहीं है, जहाँ पर हित भावना होती है उसको हिंसा नहीं बोलते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं हम, स्वयं कहते हैं हमारे पैर काट दो, हाँ वो काट देता है, पर उसको कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके वो हित भावना से किया है। एक पैर यदि नहीं काटा तो हम, हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी से पैर को काट देने से हमारी अभी सारी की सारी उम्र बची हुई है। इसलिए वो पैर काटने के पीछे उसका दुख देने का मकसद नहीं है, स्वास्थ्य करने का मकसद है, इसलिए वो हिंसा नहीं है, वो हिंसा में ही लिया जाता है। माता पिता गुरु आचार्य जो हमें मारे, पीटे, डांटे, यदि हित भावना लेकर के वो हमें प्रताड़ना कर रहे हैं तो वो वहां पर हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा भविष्य सुधरता है। और
यदि दवाइयाँ आदि न डाले तो फिर घर में इतने सदस्य हैं, कितने लोगों को हम खिलाते पिलाते हैं, तो फिर इधर भी तो अगर हिंसा ही होगा ना। हम अब खेत में हम कोई दवाई वाई नहीं डालेंगे, खाएं कीड़े तो खाने दो, तो फिर कोई फसल ही नहीं होगा, तो इधर बच्चे भी तो मरेंगे, हाँ, तो फिर कैसे होगा। इसलिए वहाँ पर भी हिंसा नहीं है। ये हिंसा और अहिंसा ऐसा लगता है कि कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता। यदि हमारे भीतर हित किसी की हित भावना को लेकर के है तो वो पाप नहीं है। और अहित भावना से हम केवल मन में विचार मात्र भी करते हैं तो वहाँ पर हिंसा होती है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर 11 श्लोकों तक वर्णन करेंगे गुणों का, तो ये पूरा तो नहीं होगा। तो अभी के लिए हम इस गीता प्रवचन को यहीं पर विराम देंगे और फिर आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्रणाम।